कुंडली भी देखेंगे और उससे पहले एक संतान भाव हम लोगों को देखना है। लेकिन शादी का भी तो बाकी है ना मैरिज? हाँ शादी का भी देखना है, शादी का भी वो बाकी है। शादी से पहले बच्चे को ले आया तो संतान भाव हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, संतान भाव है तो एजुकेशन के रिलेटेड भी उधर से ही देखा जाता सब कुछ है। सब कुछ उसी के पास है, वहीं से। मतलब वो भाव तो हम पूरा उस सब का, सब तरीके का देखेंगे उसमें। हाँ, हाँ। फिफ्थ हाउस रिलेटेड जो भी है वो सब हम इसमें आएगा ना, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे संतान हो, चाहे वो लव अफेयर्स हो, सब चीजें आप वहीं से देखेंगे। लेकिन हाँ, हम जो पढ़ेंगे तो वो भी उसको भी कंसिडर करके पढ़ेंगे ना। हाँ बिल्कुल 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 पढ़ेंगे, पांचवा भाव पूरा पढ़ेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसे संतान भाव से अलग हटके सर। सर ये है कि जैसे कोई शुभ ग्रह पाप कतरी में आ जाता है, कि शुभ ग्रह जो कुंडली का योग कारक ग्रह है उसके दोनों तरफ अगर पाप ग्रह पापी ग्रह आ जाते हैं तो वो जो है शुभ ग्रह पाप कतरी योग में आ गया सर। लेकिन सर अगर वो मान लीजिए जैसे अब गोचर में गुरुदेव के दोनों तरफ, एक तरफ तो शनि देव बैठे हैं, एक तरफ राहु देव बैठे हैं, तो गुरुदेव जो है पाप कतरी योग में आ रहे हैं। लेकिन सर अगर मान ले किसी की कुंडली में शनि देव योग कारक है और गुरु भी योग कारक है, गुरु तो है खैर योग कारक इस जैसे गोचर में, और शनि देव योग कारक है, शनि देव अच्छे हैं कुंडली में, तो क्या तब भी पाप कतरी योग बनेगा? देखो अशुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह चाहे वो कुंडली में योग कारक ही क्यों ना हो हमेशा पापकतरी बनाते हैं। अगर कोई ग्रह आपका शनि मंगल के बीच में होगा तो भले ही शनि और मंगल आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हो वो पापकतरी में आएगा, आएंगे चाहे योग कारक हो, चाहे वो योग कारक हो उससे कुछ नहीं है, अशुभ ग्रह हमेशा पापकतरी योग बनाते हैं। जी तो चलिए हम संतान भाव का पढ़ लेते हैं, आज स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। थोड़ा ध्यान से रखिए मैं आपको जो डेटा इसमें दे रहा हूं, जो पीपीटी वगैरह या जो भी आपको डेटा इसके अंदर मिलेगा वो डेटा आपको कहीं किसी जगह मिलेगा नहीं, इसको बहुत संभाल के और बड़े उससे पढ़िएगा शांत मन से, तो आपको हमेशा बड़ा अच्छा याद रहेगा। संतान भाव में बड़ा अच्छा बोला गया है, बल्कि बृहत पाराशर होरा शास्त्रा में भी बहुत अच्छा बोला गया है। उसमें वो कहते हैं कि गुरु लग्नेश दारेश पुत्र स्थान धीपेशु च सर्वेशु बलहीनेशु वक्तव्या त्वन पत्यता। वो कहते हैं कि बृहस्पति लग्नेश सप्तमेश पंचमेश चीज, देखिए बृहस्पति लग्नेश, लग्नेश स्वयं हो गया, बृहस्पति पुत्र का कारक होता है, सप्तमेश आपका विवाह वाला जो विवाह का स्वामी है, पंचमेश जो आपका पुत्र का स्वामी है, संतान का स्वामी है, अगर ये सारे निर्बल हों, अगर ये सारे निर्बल कुंडली के अंदर होंगे तो अनपत्य योग होगा, अनपत्य योग समझना चाहिए, ऐसा ऋषिवर ने कहा है कि अगर बृहस्पति लग्नेश सप्तमेश और पंचमेश ये कुंडली में सब निर्बल हों तो अनपत्य योग समझिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि यदि रवि मंगल राहु और शनि, ये तो चार ग्रह है, इनमें से अगर तीन ग्रह भी रवि मंगल राहु और शनि सबल होके पुत्र भाव में बैठ जाएं, रवि मंगल राहु और शनि अगर पुत्र भाव में बैठ जाएं तो आप अनपत्य योग समझना। इसमें से तीन ग्रह भी बैठ जाएं, ये तो चार ग्रह के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में यह आया है कि इसमें से अगर तीन ग्रह भी बैठ जाते हैं रवि मंगल राहु शनि में से तो भी अनपत्य योग रहता है, तो भी हम कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति में बहुत प्रॉब्लम्स है, संतान प्राप्ति की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि रवि भी राहु भी शनि भी ये सब सेपरेटेड ग्रह होते हैं, अलगाववादी ग्रह होते हैं, और मंगल जो होता है वो मरणात्मक प्रभाव रखता है, मंगल जो है गर्भ को ठहरने नहीं देता, गर्भपात करा देता है। तो इसलिए रवि मंगल राहु शनि ये सब होके सबल अगर ये पुत्र भाव में बैठे हुए हैं तो ये ध्यान कुंडली पे बहुत ध्यान देना चाहिए और वो हमेशा अनपत्य योग बन जाता है। सर एक क्वेश्चन है इसमें, हाँ मान लो कि इसमें से कोई लग्नेश हो या वो फिफ्थ हाउस के स्वामी हो, तो जैसे शनि है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है या सूर्य, हाँ, है, मैं समझ गया आप ये कहना चाहते हो कि सपोज कीजिए कि इस पांचवें भाव में रवि मंगल राहु शनि बैठे हुए हैं और रवि जो है वो आपका लग्नेश है,
सूर्य, ठीक है ना, या शनि जो है वो पंचम भाव का स्वामी है, आपका यही क्वेश्चन है ना इसके अंदर। तो उसके बावजूद भी इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि भले ही वो लग्नेश और पंचम भाव का स्वामी हो, अगर ये चार ग्रह बलियों होकर बैठे हैं, इन चार में से तीन ग्रह आप लगाइए, अगर एक आध ग्रह है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तीन ग्रह बैठे हैं, दो ग्रह बैठे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तीन ग्रह या चार ग्रह ऐसे बैठे हैं सबल होके, तो वो हमें 100% अनपत्य योग देंगे, चाहे वो लग्नेश हो, चाहे वो भाग्यश हो, चाहे वो आपका कोई भी ग्रह क्यों ना हो। लेकिन सर उसके वो अंदर खुद का तो नुकसान नहीं करेंगे, मान लो कि तीन है बराबर है, चार आपने तीन बताया, हाँ, तो शनि सूर्य और मंगल उधर बैठ गए, हाँ, बराबर है, तो या राहु बैठ गया उसमें से, हाँ, एक तो खुद वो अपने ग्रह मतलब फिफ्थ हाउस है पहले तो, हाँ, तो और शनि उधर आ गया, हाँ, या सूर्य उधर आ गया, तो अपने हाउस को तो वो नुकसान नहीं करेगा, एक हाँ, चीज ये हो गई, यानी फॉर दैट हाउस वो ग्रह तो खराब है ही नहीं। बता आप तो कहना चाहते हो कि वहां उस हाउस के लिए तीन में से दो ग्रह बचे खाली, हाँ ठीक है ना, हाँ, हाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको, वही बताने जा रहा हूँ कि तीन में देखा गया है, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो चारों ग्रह के लिए लिखा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि चारों ग्रह रव्यार राहु शनि सबला पुत्र भाव का, मतलब ये चारों ग्रह अगर पुत्र भाव में हो तो अनपत्य योग समझना, चाहे अब ये लग्नेश हो चाहे ये कुछ भी हो, ये इसका ये फॉर्मूला है, इस चीज को उन्होंने दिया है शास्त्र के अंदर, ये ध्यान रखिए। अब इसमें ये भी कहते हैं कि पुरुष जातक की पत्रिका संतान होगी या नहीं होगी, ये देखना पड़ता है पुरुष जातक की पत्रिका में, काकबंधिया योग है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है ये देखना पड़ता है लेडीज की पत्रिका में। काकबंधिया योग का मतलब होता है कि कई बार संतान जो है 12 साल बाद या 13 साल बाद होती है, उसको काकबंधिया योग बोलते हैं, डिले संतान वाला जो होता है उसको काकबंधिया योग बोलते हैं। तो वो योग है या नहीं है, या संतान होने में कोई प्रॉब्लम होगी, मेडिकली कोई प्रॉब्लम होगी, अबॉर्शन हो सकता है या कुछ, कोई मतलब अबॉर्शन कह रहा हूँ मैं आपका, कोई कि मेडिकल के थ्रू आपका ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी होगी या कैसे होगी, वो तो लेडीज की पत्रिका में आप देख सकते हैं। लेकिन जब भी संतान के बारे में बात करनी है या संतान देखनी है कि संतान होगी या नहीं होगी, तो वो आपको हमेशा मेल की पत्रिका से ही चेक करना है, स्त्री की पत्रिका से नहीं चेक करना। उसके बाद सबसे बड़ी एक चीज बताई है इसके अंदर कि पत्रिका में यदि केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण में केतु स्थित हो और किसी भी तरह से वो पंचम पंचमेश या कारक से संबंध बनाए, पंचम भाव में बैठा हो चाहे, या पंचमेश के साथ बैठा हो या कारक जो गुरु है उसके साथ बैठा हो, संबंध बनाए, तो अपनी अंतरदशा में 100% पुत्र संतान ही देता है, अगर केतु केंद्र त्रिकोण में हो और किसी भी तरीके से वो पंचम पंचमेश या कारक से संबंध बनाए तो अपनी अंतरदशा में पुत्र संतान देता है। वैसे तो इन्होंने ये बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है शास्त्रों में कि केतु सूर्य व गुरु कुंडली में कहीं भी बैठ जाए और चाहे वो पांचवें भाव को एक्टिव कर रहे हो या ना कर रहे, आप ध्यान रखिए इस चीज को, केतु सूर्य व गुरु कुंडली में कहीं भी बैठ जाए चाहे पांचवें भाव को वो एक्टिव ना कर रहे हो तो भी अपनी दशा में वो संतान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि केतु के बारे में तो ये लिखा गया है कि केतु कुलस्य उन्नति, केतु कुल की उन्नति करता है, सूर्य कालपुरुषी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है और गुरु पुत्र का संतान का कारक है, तो ये तीनों जो है कारक माने जाते हैं। तो ये कुंडली में छठे भाव में बैठे हों या आठवें भाव में बैठे हों या बारहवें भाव में बैठे हों या तीसरे भाव में कहीं भी हों, संतान दे सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि संतान नहीं होगी, इनकी दशा आएगी। तो सर अभी इसी पे देखिए, आपने अभी क्या बताया कि सूर्य काल पुरुष में फिफ्थ लॉर्ड है और वही वहां बैठा हुआ है, हाँ, तो फिर तो वो संतान नहीं देगा, वही संतान की हानि करेगा। सूर्य अगर भाव में बैठ जाए और सूर्य अगर मान लिया दृष्टि दे दे तो संतान पहली संतान की हानि होगी, भले ही वो कालपुरुषी कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी हो। तो कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, वो आप थोड़ा ध्यान रखिए जरा सा, ये जो शास्त्रों के हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहा था? आकांक्षा सर। हाँ आकांक्षा तुमने ज्वाइन कर लिया? जी जी सर, वो कुछ तो टेक्निकल इशू चल रहा था, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी मैं। नहीं वो आप कह रहे थे ना कि जा रहे हैं शायद आप कहीं होम टाउन जा रहे नहीं हैं। नहीं सर मैं घर जाने वाली थी, आज ही का प्लान था बट हस्बैंड को फीवर हो गया। ओ अच्छा, ध्यान रखिए, चक्कर में हम लोग जा नहीं पाए जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।
तो सर गुरु गुरु भी अगर आपका फिफ्थ हाउस में हो तो भी ऐसे ही होता है ना जो अभी आगे आएगा, आगे आएगा, सब कुछ आगे आएगा। इसको पूरा पहले सुन लीजिए, फिर अपने क्वेश्चंस को आप कहीं अगर आप दिमाग में आ रहे हैं तो लिखते रहिए, फिर हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे बैठकर से। ये सब चीजें आपकी क्वेरीज इसके अंदर सारी आ जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर केतु की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है या गुरु की दशा चल रही है और आपसे कोई पूछता है कि भाई संतान हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे संतान का योग बनता है, क्योंकि तुम्हारा पांचवा भाव भले ही एक्टिव ना हो, भले ही पांचवे से कोई संबंध ना हो, तो लेकिन तीन ऐसी चीजें हैं जो संतान के कारक है, इनकी दशा में संतान हो सकती है। लेकिन केतु की दशा में एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि केतु की दशा में जो संतान होती है, जब बच्चे का सेक्स निर्धारण हो जाता है, मेरे ख्याल से चौथे महीने के आसपास शायद बच्चे का सेक्स निर्धारण हो जाता है कि वो मेल है या फीमेल चाइल्ड है, चौथे या पांचवें महीने के आसपास, तो उसके बाद 50% चांस होते हैं कि गर्भ जो है वो बचेगा, लेकिन होगा पुत्र ही, ये अगर बच गया तो होगा पुत्र ही केतु की दशा में। दूसरी चीज, संतान पक्ष में परेशानी को कैसे समझे, लग्न चंद्रमा और कारक गुरु से पंचम स्थान को अच्छी तरह से देखना चाहिए। लग्न से पंचम, चंद्रमा से पंचम, गुरु से पंचम, इन तीनों स्थान को चेक करो। संतान के बारे में किसी को एकदम आते ही ऐसे नहीं बोल देना कि साहब आपके संतान नहीं हो सकती है, आप उसका पूरा चेक कीजिए। कहीं भी कोई चीज ऐसी मिलती है तो उसको बताना पड़ता है कि संतान का योग इसके अंदर है या नहीं है। नॉर्मली बड़ा मुश्किल से मिलता है अनुपत्ति योग, आसानी से अनुपत्ति योग नहीं मिलता, अक्सर संतान के योग मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा ढंग से चेक करने पड़ते हैं। तो वही चेक कीजिए कि लग्न चंद्रमा और कारक गुरु से पंचम स्थान को जरूर देख लीजिए कि लग्न से पांचवा स्थान कैसा है, चंद्रमा से पांचवा कैसा है, कारक गुरु जो होता है उससे पांचवा स्थान कैसा है, उनको भी चेक कर लीजिए। दूसरा ये चीज देखिए कि पंचम स्थान का जो स्वामी है, चाहे वो लग्न से पंचम हो, चंद्रमा से पंचम हो, कारक से पंचम हो, छठे आठवें बारहवें भाव में स्थित ना हो, पंचम स्थान पाप मध्य में ना हो, पाप मध्य यानी पाप कतरी में ना हो पंचम स्थान, पंचम स्थान में अशुभ ग्रह हो। अभी अभी हम बताएंगे कि अशुभ ग्रह में अगर स्वामी है तो क्या है। पंचम स्थान में अशुभ ग्रह हो तो संतान पक्ष में परेशानी होती है, पंचम स्थान में छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी स्थित हो तो संतान में परेशानी होती है। छठे आठवें और बारहवें भाव के स्वामी पंचम स्थान में आ जाए तो संतान में परेशानी होती है। पंचमेश का संबंध अगर दुख स्थान के स्वामी के साथ हो, यानी छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी के साथ पंचमेश का संबंध हो, तो भी संतान की परेशानी होती है। इसके अलावा पंचमेश अगर अशुभ ग्रह हो और पंचम में स्थित हो, आप इसमें देखिए, पंचमेश अशुभ ग्रह हो और पंचम में स्थित हो, अब यहाँ देसाई साहब आपकी बात आई कि पंचमेश जो है वो खुद ही अशुभ ग्रह है, मंगल है मान लिया, वो पंचमेश है और पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो वो संतान की रक्षा कर लेता है। पंचमेश अशुभ ग्रह हो और पंचम में ही स्थित हो, पांचवें भाव में ही बैठा हो, तो वो संतान की रक्षा कर लेता है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो यहाँ क्वेश्चन का जवाब आता है इसका, कि अगर पंचमेश शनि भी है और वो अपनी राशि में बैठा हुआ है स्वयं राशि में, तो वो संतान की रक्षा कर लेता है। पंचमेश शुभ ग्रह हो और पंचम में स्थित हो, अब ये देखिए पंचमेश शुभ ग्रह, पंचमेश मालिया गुरु है, पंचमेश मालिया बुध है, पंचमेश मालिया चंद्र है, तो शुक्र है पंचमेश, अगर वो पंचमेश शुभ ग्रह है और पंचम में ही बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है और छठे आठवें एवं बारहवें भाव के स्वामी या अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो वो संतान की रक्षा नहीं कर पाता, चाहे भले ही वो अपनी रक्षा अपनी राशि में क्यों ना बैठे। ये शुभ ग्रह के लिए एक खास इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि पंचमेश अगर शुभ ग्रह हो, पंचम में ही बैठा हो, तो वो संतान की रक्षा नहीं कर पाता यदि उसके साथ छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी या कोई अशुभ ग्रह साथ में उसके बैठा हो। पंचमेश अस्त होकर छठे आठवें बारहवें भाव में नीच या शत्रु राशि का स्थित हो तो संतान की समस्या होती है। लग्न पंचम अष्टम में बारहवें भाव में, अगर लग्न में पंचम में अष्टम में वे बारहवें भाव में, पंचम से अष्टम क्या चीज होती है, पंचम से अष्टम कौन सा भाव हुआ, नहीं नहीं पंचम से चौथा भाव अष्टम हुआ ना, मतलब आपने पंचम से अष्टम बोला इसलिए मैं अष्टम भाव कौन सा हुआ पंचम, मेरा वो पूछ रहा था, फोर्थ, हाँ फोर्थ हुआ, तो उसका सुख, हाँ
कि लग्न पंचम अष्टम एवं बारवा भाव, अगर इसमें अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो आप कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति में परेशानी है, तो ये चारों भाव आपको चेक कर लेने चाहिए कि इन भावों में कौन से ग्रह बैठे हैं। लेकिन तारतम्य आपको बैठाना है, अब जैसे पंचम में मान लिया पंचम का स्वामी ही बैठा है, तो आप उसको फिर उसको अपने अंदर से चीज को डिलीट कर दोगे कि भाई वो तो पंचम का स्वामी बैठा है तो अशुभ ग्रह, लेकिन वो पंचमेश है, क्योंकि ऊपर दिया है कि पंचमेश अशुभ ग्रह और अपनी राशि में स्थित हो, संतान की रक्षा कर ले। तो लग्न पंचम अष्टम बारहवें भाव में अगर अशुभ ग्रह हो तो संतान में प्रॉब्लम होती है, और ये बहुत निश्चित रूप से प्रॉब्लम होती है। चंद्रमा पंचम में हो और आठवें और बारहवें भाव में अशुभ ग्रह, ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुंडली के अंदर नॉर्मली जब संतान में ढूंढने जाते हैं तो ये मिल जाते हैं, और मिलने के बाद फिर हमें मालूम चलता है कि संतान की परेशानी इसी वजह से हो रही है कि चंद्रमा पंचम में हो। इसका उपाय क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। ये सब लड़के की कुंडली में देखना है, ये सब आपको जेंट्स की मेल की कुंडली में देखना, संतान के बारे में कोई चीज फीमेल की कुंडली में नहीं देखनी आपको। चंद्रमा पंचम में हो और आठवें बारहवें भाव में अशुभ ग्रह हो वो परेशानी संतान में होती है। अलगाव पारी ग्रह प्रभाव देने वाले ग्रह और मरणात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह कैसे समझेंगे? अलगाव पारी प्रभाव देने वाले ग्रह हमारे हैं सूर्य, शनि, ये राहु, ये हमारे अलगावकारी प्रभाव हैं, ये सेपरेटिव हैं, जिस भाव में बैठते हैं उसे सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये पांचवें भाव में बैठ जाएंगे तो ये कंसीव नहीं होने देंगे, पांचवें भाव पे इनकी दृष्टि होगी तो ये कंसीव ही नहीं होने देंगे। और केतु और मंगल जो हैं ये मरणात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, ये ठीक है कंसीव हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद अबॉर्ट करा देते हैं। सर तो ये इस पे एक है कि मान लो कि सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि आ रही है या सूर्य, तो फिर क्या होगा वो तो एक आगे चलते हैं, आगे अभी बाकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा खत्म कर ले फिर चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलगावकारी प्रभाव देने वाले ग्रह हैं सूर्य, शनि, राहु, मरणात्मक प्रभाव देने वाले ग्रह हैं मंगल, केतु। मंगल केतु अगर पांचवें भाव में बैठते हैं तो वो अबॉर्शन कर सकते हैं, सूर्य, शनि, राहु जैसे ग्रह पांचवें भाव में बैठते हैं तो वो कंसीव ही नहीं होने देंगे, ऐसा वो कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की संभावना को कुंडली में कैसे समझे? जब पंचमेश जिस नवांश में हो, पंचमेश D9 कुंडली में देखिए, उसका स्वामी शुभ ग्रह के साथ हो या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, ये ध्यान रखिए कि उसका स्वामी शुभ ग्रह के साथ हो। पंचमेश मान लिया कर्क नवांश में गया है तो कर्क का स्वामी चंद्र हो गया, ये तो चंद्रमा अगर वो लग्न में देखना है, हाँ वो लग्न कुंडली में देखना है, वो नवांश कुंडली में आपको नहीं देखना। मतलब हमने जिस तरह कर्म भाव का देखा था कि वो कौन से, बिल्कुल सेम, और फिर लग्न में उसको लगाया, वैसे लग्न में उसको लगाया। Okay. तो आपको लगन में ही उसे लगाना है कि पंचमेश जिस नवांश में बैठा है ये संतान प्राप्ति की संभावनाएं हैं। कई बार आप देख रहे हो कुंडली में आपको संतान समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये तो पंचमेश छठे भाव में चला गया या अष्टम में चला गया या ऐसे चक्कर हो रहा है तो संतान के योग नहीं है, तो इन चीजों पर नजर जरूर डालनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि पंचमेश जिस नवांश में बैठा हुआ है D9 चार्ट के अंदर उसका स्वामी यानी उसका नवांशाधिपति शुभ ग्रह के साथ बैठा हो D1 चार्ट में या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी संतान प्राप्ति की संभावना को आप नकार नहीं सकते। पंचमेश शुभ नवांश में हो, सर एक इसमें जब भी ऐसा है इसका मैं इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि हमको ऐसा पता चला कि वहां प्रॉब्लम है संतान प्राप्ति में, तब ये चेक करें नवमांश में कि हाँ। यहाँ तो नवमांश से ये हमने जो बताया कि भाई हाँ। इस तरह से देखे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके मैं वही कह रहा हूँ कि संतान के मामले में किसी कुंडली आपके पास आए इंस्टीट्यूट के आप उसे अब्रप्टली बोले कि भाई संतान की संभावना नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। संतान की संभावना बहुत, क्योंकि नियम इतने सारे हैं, संभावना रहती है, योग बनते हैं, बहुत ही कम होता है कि जब अनपत्यता योग होता है, तो वो सारी चीज देखनी चाहिए आपको। जब सारी चीजों में आपको नहीं मिले, जब वहां पर आपको सब चीजें दिख रही है नेगेटिव दिख रही है, तो आप यहाँ देखिए कि पंचमेश किस नवांश में गया है, उसका स्वामी शुभ ग्रह के साथ बैठा नहीं बैठा, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं है, या पंचमेश जिस नवांश में गया हो उसका स्वामी लगन में बैठा हो, कहां लगन में, D1 चार्ट में लगन में बैठा हो। तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ लगेगा, मतलब एक आशा की किरण एक आती है कि भाई संतान प्राप्ति की संभावना कुंडली में लगती तो है, मतलब इसके लिए उपाय किए जाए, उपाय करके ही संतान प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं संतान प्राप्ति होती आसानी से कि आपने देख लिया कि पंचमेश आपका शुभ नवांश में बैठा हुआ है
और आपने कह दिया कि हाँ भाई संतान प्राप्ति की बोले जो संतान प्राप्ति की संभावना तो है, लेकिन आपको उपाय करने पड़ेंगे, उसके लिए उपाय करना पड़ता है। उपाय करके ही ये जो नियम दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं जब अनुष्ठान किया जाए उनके साथ संतान प्राप्ति हो सकती है। अगर इस तरह की स्थिति आपकी किसी कुंडली में बनती है, किसी जाता की कुंडली में, तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई आप अनुष्ठान कराओ, आपकी संतान प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, पूर्व जन्म के शाप भी होते हैं, जैसे सर्प शाप होता है, पात्र शाप होता है, मातृ शाप होता है। वो थोड़ा आप एक बार मेरा YouTube में लेक्चर भी है, वो थोड़ा देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उस लेक्चर का नंबर क्या है। तो वो श्राप जो देखे जाते हैं वो पुरुष की पत्रिका में देखे जाते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि राहु पांचवें भाव में बैठा हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो सर्प श्राप बोलते हैं। राहु पांचवें भाव में बैठा हो किसी कुंडली में और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो सर्प श्राप कहा जाता है। और ऐसे में कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन या भगवान नाग देवता की एक मूर्ति बनवा के, हालांकि बृहत पराशर में तो लिखा है कि स्वर्ण मूर्ति बनवा के या रजत मूर्ति बनवा के, लेकिन आज की डेट में लोगों पे इतना पैसा नहीं होता, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती, तो आप एक मिट्टी की मूर्ति बनवा के भी अपने घर में उसको स्थापित करके उसकी पूजा कर सकते हैं। तो उससे जो अगर ये सर्प श्राप होता है पत्रिका में तो वो बिल्कुल दूर हो जाता है। पर ये होता क्या है? ये मतलब पुराने जन्म में कभी किसी सर्प की हत्या की हो या ऐसा कुछ किया हो तो उसका श्राप वगैरह होता है। तो अब जो है ये मैंने आपको श्राप के बारे में बताया। अब जो पीछे काकबंध्या योग बताया था कि काकबंध्या योग जो होता है वो जब होता है जब स्त्री के एक बार, मतलब होता ये है काकबंध्या योग बोलते हैं कि एक बार तो उसका गर्भ ठहरा, उसके बाद गर्भ नष्ट हो गया और उसके बाद 12 साल बाद या 14 साल बाद संतान होती है तो वो काकबंध्या योग कहलाता है। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि पंचमेश अगर छठे भाव में हो, देखिए पंचम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में हो और मंगल से साथ बैठा, कुंडली में ये भी योग मिल सकता है कि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में हो और मंगल के साथ बैठा हो तो प्रथम संतान की हानि होती है और साथ ही साथ स्त्री काकबंध्या हो जाती है। ये काकबंध्या का योग दिया हुआ है कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि पंचमेश छठे भाव में हो और मंगल से युक्त हो अगर, तो ध्यान बहुत आपका एकदम दिमाग जाना चाहिए कि पंचमेश जो है छठे भाव में चला गया है और मंगल के साथ बैठा है तो काकबंध्या योग की संभावना भी हो जाती है। अच्छा, ये काकबंध्या योग जो देखना है आपको ये स्त्री की कुंडली में देखना है। जब आपने देखा कि सारी चीजें जेंट्स की कुंडली देख ली, आपने मेल की कुंडली देख ली या सब देखा कि भाई इसमें सब कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीज दिक्कतें हैं तो क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रही है, या संतान हो सकती है तो क्यों नहीं हो रही है, तो फिर आपको जाके स्त्री कुंडली में एक बार देखना है कि कहीं काकबंध्या योग तो नहीं है। काकबंध्या योग में नॉर्मली एक बार तो संतान होने की कोशिश होती है, उसके बाद वो फिर 12 साल 15 साल बाद कहीं जाके संतान होती है। आपने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। पंचमेश नीच राशि में स्थित हो और पंचम को नहीं देखता हो और पंचम भाव में शनि बुध हो तो भी स्त्री काकबंध्या हो जाती है। ये नियम है कुछ काकबंध्या के कि पंचमेश नीच राशि में स्थित हो, पंचमेश जो भी है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वो नीच राशि में बैठा हुआ है और पंचम भाव को नहीं देख रहा है और पंचम भाव में शनि और बुध भी बैठे हैं तो भी स्त्री काकबंध्या हो जाती है। एक बार संतान प्राप्ति की चांस बनते हैं उसके, उसके बाद वो 12 साल 15 साल तक संतान नहीं हो। गोद लिया पुत्र के बारे में ये काकबंध्या योग भी चेक कर लेने चाहिए, ये लेडीज की कुंडली में चेक होंगे। अच्छा, होरा पाराशर के अंदर बहुत अच्छा बताया गया है कि दत्तक गोद लिया पुत्र या कृत्रिम गर्भाधान से संतान की प्राप्ति होगी नहीं होगी। कृत्रिम गर्भाधान आजकल काफी चल रहा है तो उससे संतान की प्राप्ति की संभावना बनती है या नहीं बनती है, तो उसके लिए कहा गया है कि पंचम में मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि या कुंभ राशि हो और उसमें शनि मांदी या गुलिक हो। अच्छा, शनि मांदी या गुलिक हो तो आप इसको यूं लगाइए, मांदी गुलिक में कोई बारे में जानता है कोई आपने से? नहीं नहीं नो सर। अच्छा, मांदी गुलिक में आपको बता दूंगा। दरअसल मांदी जो है वो शनि का पुत्र ही होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप निकाल सकते हो। और यहां तो जैसे मांदी और गुलिक बृहत पराशर में लिखा हुआ है लेकिन फलदीपिका में ये मेंशन है कि मांदी और गुलिक दोनों एक ही चीज है, गुलिक और मांदी। तो गुलिक आप निकाल सकते हैं। तो शनि अगर गुलिक के साथ बैठा है या मांदी के साथ, मतलब दोनों में से एक ही, दोनों एक ही चीज है गुलिक और मांदी,
अगर शनि साथ बैठा है और ये राशियां हैं पंचम भाव में, तो समझिए आपके गोद लिया पुत्र होगा या आपको कृत्रिम तरीके संतान होगी। कृत्रिम तरीके से कोई भी हो सकती है, आईवीएफ के थ्रू हो सकती है, कैसे भी आपकी संतान हो सकती है, उस तरीके से संतान आपको हो सकती है अगर पंचम भाव में मिथुन कन्या या मकर कुंभ राशि हो, ये चार राशियां हो, शनि बैठा हो विद मांदी या गुलिक जो भी है। आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो जीके के नाम से मिलेगा आपको, पाराशर लाइट के अंदर आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि गुलिक, अगर आप उसको जाएंगे अंदर और गुलिक पर क्लिक करेंगे तो आपको गुलिक कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में टीवन चार्ट में, वो भी वो दिखा देता है कि गुलिक कहाँ बैठा हुआ है। तो अगर वो शनि के साथ बैठा है तो आप ये समझ लीजिए कि दत्तक पुत्र आपके होना है। अब संतान अच्छे कर्म करने वाला होगा या बुरे कर्म करने वाला होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पंचमेश अपनी उच्च राशि में बैठा हो, यदि लगन में, दूसरे में, तीसरे, पांचवें या नवे भाव में और गुरु से ध्रस्त हो, पंचमेश जो भी पंचम भाव का स्वामी है, अगर अपनी उच्च राशि में बैठ के लगन में भाव बैठा हो, दूसरे में बैठा हो, तीसरे में बैठा हो, पांचवें या नवे भाव में बैठा हो और गुरु से ध्रस्त हो जाए, तो पुत्र जो होगा समृद्ध होने के साथ साथ अनुशासित होगा और जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करने वाला हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि पंचमेश अपनी उच्च राशि में हो और इन भावों में हो। कौन से भाव में हो? लगन में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, पांचवें में हो या नवम भाव में हो, तो बहुत अच्छा रहता है। और गुरु से ध्रस्त हो जाए उसके ऊपर से, तो पुत्र समृद्ध होता है। यदि तीन या तीन से अधिक अशुभ ग्रह पंचम या पंचमेश को प्रभावित करें, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि तीन या तीन से अधिक ग्रह, यहाँ पर तीन स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। नॉर्मली हम लोग हर जगह दो ग्रह लेते हैं, दो या दो से अधिक ग्रह प्रभावित करते हैं तो उसके हानि होती है भाव की, लेकिन संतान के बारे में यहाँ स्पेशली लिखा गया है कि तीन या तीन से अधिक अशुभ ग्रह पंचम या पंचमेश को प्रभावित करें, पंचम भाव को पे दृष्टि हो तीन अशुभ ग्रह की, या दो अशुभ ग्रह बैठे हो एक की दृष्टि हो, या एक ग्रह बैठा हो दो अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, और ऐसे ही पंचमेश को प्रभावित करें, पंचम या पंचमेश को प्रभावित करें, दोनों में से किसी एक को, तो संतान हमेशा बुरे कर्म करने वाला पैदा होता है, संतान हमेशा नालायक पैदा होती है। ये चार्ट के अंदर आपको इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, प्रथम पत्नी से पुत्र का योग ना होना। कई बार क्या होता है कि पहली पत्नी से संतान का योग नहीं होता, तो उसके लिए होरा पाराशर में बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है कि पंचम भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हों और गुरु से पंचम में शनि हो, पंचम भाव में पाप ग्रह हो और है, ये चै वर्ड है जहां यहाँ अथवा लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये चै वर्ड है, श्लोक के अंदर चै दिया हुआ है, चै का मतलब होता है और। पंचम भाव में पाप ग्रह हो और गुरु से पंचम में शनि हो तो प्रथम स्त्री से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, ये एक चीज इसके अंदर दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, इसमें शास्त्र में लिखा गया है, यानी पुत्री हो सकती है, क्योंकि पहले जमाने में कुल की उन्नति के लिए या जिसे कहते हैं संतान का मेन मकसद होता था कि पुत्र पैदा होता। आज की डेट में तो हर चीज दोनों पुत्र हो या पुत्री हो दोनों बराबर हैं, जो भी होता है भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि स्वस्थ पैदा हो और कोई दिक्कत ना हो, तो चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो दोनों एक जैसे प्रिय होते हैं। पहले टाइम में पुत्र के लिए ज्यादा होता था, तो स्पेसिफिकली यहाँ पुत्र के बारे में इन्होंने दिया है, लेकिन ऐसा आया है कि पुत्र की प्राप्ति तो नहीं होती लेकिन संतान में पुत्री की प्राप्ति हो सकती है अगर पंचम भाव में पाप ग्रह हो और गुरु से पंचम में शनि। तो ये जरूरी है कि पुत्र नहीं होता। फल दीपिका में लिखा है सूर्य मंगल शुक्र अकेला कर्क राशि का पंचम में बैठा हो, सूर्य मंगल शुक्र अकेले कर्क राशि का पंचम में हो तो दूसरी शादी से संतान होती है या कृत्रिम रूप से संतान होती है। सूर्य मंगल शुक्र अकेले कर्क राशि या पंचम में बैठे हो तो भी दूसरा संतान होती है। कर्क राशि में शनि अकेला पंचम में हो तो बहुत पुत्र होते हैं। ये देखिए, कर्क राशि में शनि पंचम भाव में बैठ के काफी पुत्र करता है, अकेला पंचम बैठा हो तो पुत्र भाव करता है। बुध एवं चंद्र अकेला पंचम में हो तो कम पुत्र होंगे, हालांकि उससे कोई आज की डेट में तो ये चीजें वैलिड नहीं रहती, क्योंकि कम पुत्र के हाथों संतान वैसे भी एक या दो ही होती हैं, तो इस चीज को आप ना भी लें, कंसिडर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको नोट करने की इतनी जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। उस जमाने में था जब छह छह सात सात आठ आठ संतान होती थी, तब कहते थे भाई कर्क राशि में शनि अकेला बैठा है तो आपके 10 पुत्र होंगे या 6 पुत्र होंगे, 7 पुत्र होंगे, या बुध और चंद्र अकेले पंचम में बैठे हैं तो आपके 2 या 3 पुत्र ही रह जाएंगे, ज्यादा पुत्र नहीं होंगे। लेकिन आज की डेट में ये चीज वैलिड नहीं रहती है। इसके अलावा D7 को कैसे देखते हैं, D7 चार्ट देखना होगा आपको। जब आपने D1 चार्ट देख लिया
तो D7 चार्ट भी आपको देखना होगा। D1 चार्ट के सारे नियम आप चेक करने के बाद आप ये देखिए कि D7 के जो लगन में राशि बैठी है, D7 के लगन की जो राशि है वो कहीं D1 के छठे, आठवें या बारहवें भाव की तो नहीं। ये ध्यान रखना है कि D7 में जो राशि लगन में होती है वो आपके D1 के छठे, आठवें, बारहवें भाव की राशि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो संतान प्राप्ति में परेशानी होती है और दिक्कतें होती हैं, विलंब होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। D7 का लग्नेश कहाँ गया ये भी आपको चेक करना है कि D7 का जो लग्नेश है वो कहाँ गया, केंद्र में गया, त्रिकोण में गया, लाभ भाव में गया, छठे, आठवें, बारहवें में गया, कहाँ? D7 चार्ट के अंदर ही। ये D7 चार्ट के अंदर ही आपको चेक करना है कि D7 का जो लग्नेश है वो कहाँ गया है, केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव में है, कहाँ पर वो चला गया है। फिर इसी प्रकार से D7 के पंचम भाव में D1 के कौन से भाव की राशि है ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी आपने पहली चीज तो देखी कि D7 के लगन में D1 के कौन से भाव की राशि है, फिर D7 के पंचम भाव में D1 के कौन से भाव की राशि है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। देखिए एक तरीके से क्या होता है कि D7 का लगन हो या D9 का लगन हो, जैसे D9 का लगन होता है तो हम नॉर्मली कह देते हैं कि D9 का जो लगन हुआ वो बेसिकली पत्नी का या पति का, स्पाउस का लगन बन जाता है। अगर आपको D7 का लगन में आपकी चौथे भाव की राशि है, चौथे भाव की राशि आपके D7 के लगन में आ गई D1 के चौथे भाव की, तो आप कह सकते हैं कि संतान आपको सुख देने वाली। पांचवें भाव की राशि आ गई तो आप कह सकते हैं संतान प्रेम देने वाली होगी और बहुत पढ़ी लिखी होगी, हायर एजुकेटेड संतान। छठे भाव की राशि वहां पर आती है उसमें तो आप कह सकते हैं कि संतान आपका कहना नहीं मानेगी। आठवें भाव की आ गई तो आप कह सकते हैं कि संतान आपसे कलह करेगी। मतलब इस तरीके से आप भावों का अंदाजा लगा सकते हैं कि D7 के चार्ट का जो लगन है उसको मान सकते हैं। स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा गया है लेकिन उसको मान सकते हैं कि वो एक तरीके से संतान का लगन बन जाता है। और वो एक संतान पे नहीं, सभी संतान पे लागू होता है। ये नहीं कि बड़ी संतान पे लागू हुआ या छोटी पे लागू हुआ, वो सभी संतानों पे लागू होता है। क्योंकि कोई भी संतान देखनी हो आपने, चाहे बड़ी हो छोटी हो, लोगों में बड़ा मिसकंसेप्शन है, कोई कहते हैं कि पांचवें भाव से देखिए संतान, फिर दूसरी संतान नवे भाव से देखिए या सातवें भाव से देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी संतान पांचवें भाव से देखनी है और कोई सा भाव इसमें इस्तेमाल नहीं होना है। पांचवा भाव ही संतान भाव के लिए है। वो कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी, वो एक अलग टॉपिक है, अलग डिस्कशन का केंद्र होता है, लेकिन संतान आपको पांचवें भाव से ही देखनी। अच्छा, उसके अलावा D7 के पंचम भाव में मैंने कहा कि कौन से भाव की राशि है वो देख लीजिए कि छठे, आठवें, बारहवें भाव की राशि नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा नुकसान करती है। D7 का पंचमेश कहाँ गया है, गुरु की स्थिति क्या है, गुरु से पंचम में कौन सा ग्रह। सिंपल ये पांच छह चीजें हैं कि D7 के लगन में कौन सी राशि है। D1 के 6, 8, 12 की तो नहीं है, इतना चेक कर लीजिए। D7 का लग्नेश कहाँ गया है, केंद्र, त्रिकोण, लाभ भाव में बैठा हुआ है, चलिए बढ़िया है। D7 के पंचम भाव में D1 कौन सी राशि है वो आप चेक कर लीजिए। अभी हम कुंडली लगाएंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, एक चार्ट के ऊपर भी हम स्टडी करके इस चीज को देखते हैं। D7 का पंचमेश कहाँ गया, मतलब D7 का लग्नेश कहाँ गया, D7 का पंचमेश कहाँ गया, D7 में गुरु कहाँ बैठा है, गुरु से भी कारक होता है, और गुरु से पंचम में कौन सा ग्रह है या कौन सी राशि है, ये आपको छह चीज देखनी है। अगर आपने ये छह चीज D7 चार्ट में देख ली तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो पहले आपको D1 चार्ट ही देखना है। D1 चार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि एकदम हम लोग जंप करके D7 चार्ट पे ना जाएं। अगर D1 चार्ट के अंदर, D1 चार्ट हमारा मेन चार्ट है, बल्कि हम तो कहते हैं कि नॉर्मली जितने लोग हैं, अब हमारे जो खुद के गुरुजी हैं वो D1 चार्ट ही देखते हैं, बहुत कम देखते हैं वो वर्क चार्ट। लेकिन वर्क चार्ट उन्होंने सिखाए हैं, क्योंकि लोगों के बारे में लोगों की टेंडेंसी होती है कि बताइए। वर्क चार्ट हमको जब देखने चाहिए जब हमें लगे कि D1 से कोई प्रॉमिस हमें नहीं मिल रहा है। अगर D1 से प्रॉमिस हमको मिल रहा है तो फिर वर्क चार्ट में घूमने की आवश्यकता इतनी ज्यादा है नहीं उसके अंदर। फिर तो छोटी मोटी चीज देख सकते हैं कि संतान हमारे लिए कैसी होगी, वो लगन की राशि देख के, D7 के लगन की राशि देख के आप छोटी मोटी चीज देख लीजिए कि संतान हमारे लिए कैसी रहेगी, प्रेम करने वाली होगी या नालायक संतान होगी, आज्ञा मानने वाली होगी या कैसी संतान होगी, वो थोड़ा बहुत आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी तो आपको D1 चार्ट से ही प्रॉमिस चेक करने हैं। अगर D1 चार्ट प्रॉमिस कर रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन D1 चार्ट में अगर आपको संभावना नजर नहीं आ रही है तब आप D7 चार्ट पर जाइए और वहां भी देख लीजिए कि क्या संभावना है।
तो मैंने तीन चीजें बताई आपको कि एक तो ये कि जो बिल्कुल संभावना नहीं है, दूसरी वो संभावनाएं जो अनुष्ठान के बाद संतान की संभावनाएं हो सकती हैं, तीसरी ये संभावनाएं जो D7 चार्ट के अंदर जाके आपको चेक करनी है कि D7 चार्ट में कहां कहां अगर पंचमेश अच्छा प्लेस है, मान लिया कि वहां आपको D1 चार्ट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉमिस नहीं मिल रहा है, लेकिन D7 चार्ट के अंदर आप देखते हैं कि लगन की राशि जो है वो भी आपके अच्छे भाग की राशि है, त्रिकोण की राशि आई है या केंद्र की राशि आई है D1 चार्ट के, D7 का लग्नेश भी आपका केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में कहीं बैठा है, D7 का पंचमेश भी अच्छे भाव में गया है, 6-8-12 में नहीं है, गुरु की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी है, वो भी 5-6-8-12 भाव में नहीं है, और गुरु से जो पंचम में ग्रह है वो शुभ ग्रह है या गुरु से जो पंचम में राशि है वो अच्छे भाव की राशि है, तो आप कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति की संभावना, चाहे आपका D1 चार्ट बिल्कुल मना कर रहा हो तो आप ये संतान प्राप्ति की संभावना थोड़ी बहुत यहाँ देख सकते हैं, लेकिन D1 चार्ट कह रहा है और इसके बेस पे आपने कहा कि निशा संतान नहीं होगी वो नहीं कर रहा कि इसमें आपने देख लिया कि ये तो प्रॉब्लम आ गई, लेकिन D1 चार्ट प्रॉमिस कर रहा है और यहाँ प्रॉब्लम आ गई D7 के अंदर, तो आप ये मत कहिए कि भाई संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन संतान प्राप्ति हो जाएगी, बट D1 चार्ट अगर मना कर रहा है और D7 चार्ट में कहीं आपको लगता है ये सब चीजें वेरीफाई होती हैं सारी चीजें, फिर आप कह सकते हैं कि भाई कुछ चांसेस हैं, अनुष्ठान कीजिए, पूजा कीजिए तो हो जाएंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि D7 के लगन में अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव की राशि हो तो संतान हमारी ताकत बनती है, ये क्योंकि पराक्रम का भाव होता है तीसरा भाव, D7 के लगन में जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की राशि हो तो संतान हमें सुख देगी, D7 के लगन में बैठे ग्रह की अंतरदशा प्रचंड दशा में संतान हो सकती है, ये भी ध्यान रखिए आप, नॉर्मली कहते हैं कि पहली संतान जो होती है वो T7 के लग्न में बैठे ग्रह की दशा और अंतरदशा या प्रत्यंत दशा में होती है, या उसको देखने वाले ग्रह की, अगर कोई ना देख रहा हो ना कोई बैठा हो तो उसके स्वामी की दिशा में पहली संतान नॉर्मली चांस होते हैं 60% ऐसा ही होने के D7 के लग्न में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा में संतान पहली होती है, यदि कोई ग्रह नहीं है तो स्वामी की दशा में ले लेंगे, D7 का पंचम भाव भी देखेंगे, वहां बैठा ग्रह भी संतान दे सकता है कि D7 का पंचम भाव में कौन सी ग्रह बैठा है, उस ग्रह की दशा में भी संतान हो सकती है, नॉर्मली किन किन ग्रहों की दशा में संतान हो सकती है वो मैंने इसमें आगे बताया है, तो वो आगे नोट कर लीजिएगा, तो ये इसके अंदर D7 चार्ट का इसके अंदर था। अब फलदीपिका में बड़ा अच्छा बोला गया है कि किसी वक्त के कन्या विशेष होंगी या पुत्र विशेष होंगे, इसका सिद्धांत इस श्लोक में बताया गया है, देखिए हालांकि थोड़ा टफ है बट फिर भी इससे काफी कुछ आइडिया लग जाता है, बट फिर भी जो हमारे गुरुजी ने हमको एक प्रिंसिपल दिया है वो प्रिंसिपल 70-80% कुंडलियों में बैठता है, आप भी ला के देखिएगा, वो प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा तो उससे आपको 70% रिजल्ट तो मिल ही जाएंगे कि संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसके लिए इन्होंने बताया है, ये आप फलदीपिका में जाके भी देख सकते हैं कि पंचम भाव में पुरुष राशि हो, पुरुष अंश स्थित हो, पंचम में पुरुष ग्रह बैठे हों, पंचम को पुरुष ग्रह देखते हो, पंचमेश भी पुरुष राशि में हो, पुरुष लवांश में स्थित हो, पुरुष ग्रहों द्वारा देखा जाता हो, यानी जितने ज्यादा पुरुष उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना ही पुत्र होने की संभावना बढ़ जाती है, और इसके विपरीत अगर जितने स्त्री ग्रह में पड़ जाएंगे, स्त्री लवांश, स्त्री ग्रह क्या हो गया आपका चंद्र हो गया, शुक्र हो गया, बुध को भी आप, बुध शनि तो आपके नपुंसक ग्रह हो गए लेकिन चंद्र शुक्र तो आपके स्त्री कारक ग्रह हो ही गए, या आपके जो भी राशियां हैं, सम राशि हैं आपकी, इविन राशियां हैं वो सारी आपकी स्त्री राशि कहलाती हैं, स्त्री राशि के अंदर बैठे हुए हैं ग्रह, या स्त्री नवांश के अंदर बैठे हुए हैं, सब राशियों में बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये चेक कर लीजिए कि कितना पुरुष ग्रहों का इफेक्ट है, कितना पुरुष राशियों का इफेक्ट है, अगर वो ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि भाई पुत्र होने की संभावना है, पंचम में पुरुष ग्रह बैठा है, पंचम को पुरुष ग्रह भी देख रहा है, दृष्टि भी पुरुष ग्रह की है, पंचमेश में भी पुरुष राशि बैठी हुई है, पंचमेश जिस नवांश में गया है वो भी पुरुष राशि के अंदर है, वो भी स्थित पुरुष नवांश में स्थित है, मतलब वो भी ऑड नंबर की राशि है, तो पुरुष ग्रहों के साथ, तो ये सब चीजें जो है पुत्र को दिखाती है, पुत्र और स्त्री को देखने का एक ये छोटा सा तरीका है कि हम कैसे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा, जितना ज्यादा पुरुष हमको मिलेगा उतना चांसेस होंगे पुरुष की, और जितना ज्यादा हमको स्त्री मिलेगा
मतलब ये टोटल मिला के 7-8 चीजें हैं, इनमें से 5 चीजों में या 4 चीजों में आपको पुरुष मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि पुरुष पुत्र मेल पुत्र होने की संभावना है, अदरवाइज स्त्री पुत्र होने की संभावना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी सटीक बैठता है जो मैंने बताया आपको, 70% करीब ये बैठता है। ये तो आप नॉर्मली देख लीजिए कि अगर प्रत्यंतर दशा और अंतर दशा जिस समय कंसीव हुआ, ये कंसीव के टाइम की दशा के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी कुछ है। कंसीव जिस समय हुआ बच्चा, अगर कंसीव होते समय दशा प्रत्यंतर दशा और अंतर दशा दोनों पुरुष ग्रह की थी, ध्यान रखिए कंसीव होते समय अगर अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा दोनों पुरुष ग्रह की थी तो पुत्र ही पैदा होता है। अंतर दशा पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन प्रत्यंतर हो तो उसका बिल्कुल 100% कर देता है। मतलब कहने का यह है कि अंतर दशा नॉर्मली पुरुष ग्रह की हो कंसीव के टाइम पे तो संतान पुत्र हो सकता है, और अंतर दशा नॉर्मली स्त्री ग्रह की हो तो संतान स्त्री हो, मेल फीमेल हो सकती है, ये चांस होते हैं। बुध के लिए 60% चांस आप मान सकते हो मेल का, कि बुध अगर बुध की अंतर दशा में बच्चा पैदा हो रहा कंसीव हुआ है तो आप कह सकते हो कि 60% चांस है 60-40 बुध और शनि की दशा में कि आपके 60% मेल होगा और 40% आपका फीमेल होगा। ये बुध और शनि के लिए स्पेसिफिकली है क्योंकि ये ट्रांसजेंडर ग्रह हैं दोनों, तो इनके लिए ये ध्यान रखना है कि बुध और शनि की अंतर दशा में यदि संतान कंसीव होती है तो 60% और 40% चांसेस होते हैं। अदरवाइज अगर अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा दोनों ही पुरुष ग्रह की हो जाएं तो ऐसा देखा गया है जितनी कुंडली में देखा गया है कि आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं कि संतान पुत्री पैदा होती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आप अगर कंसीव करना चाहते हैं और आप संतान में पुत्र चाहते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि भाई ऐसे समय में आप जाएं जब अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा दोनों आपकी पुत्र कारक ग्रह की हो। हालांकि बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीजें मेंटेन करना देखना, और आज के जमाने में जब बच्चा एक या दो ही होते हैं तो फिर तो नॉर्मली ये सब चीजें इतनी चीज मैटर नहीं करती। पुराने जमाने में मैटर करता था, जब लड़कियां 6 हो गई तो उसके बाद भी लड़का जरूर होना चाहिए तो थोड़ा मैटर करता था, बट फिर भी ये एक फॉर्मूला है जो इसके अंदर जिनका असर पड़ता है कंसीव टाइप की दशा के ऊपर ये लेना है और कोई दशा इसमें नहीं लेना। अच्छा, फिर इसमें कुछ चीजें ऐसी दी हुई हैं कि गुरु अगर पंचम भाव में हो तो कन्या पैदा होती है। गुरु का ये ध्यान रखिए, पंचम भाव में गुरु होगा तो कन्या पैदा होगी, क्योंकि शायद अभी पीछे आकांक्षा ने किसी ने कहा था कि गुरु पंचम भाव में कन्या देता है, या किसी ने कहा था मेरे ख्याल से प्रॉब्लम की, क्योंकि गुरु कारक होता है पंचम भाव का, तो गुरु अगर पंचम भाव में बैठा होगा तो कन्या होती है। शनि पंचम भाव में बैठा हो, शनि के लिए बोला गया है कि पंचम भाव में बैठा हो तो पुत्र देता है, बट ये ध्यान दोनों बैठे हों तो थोड़ा तारतम्य लगाना पड़ेगा, बाकी और चीज देखनी पड़ेगी आपको, कौन सी राशियां हैं, कौन से नवांश में गया, किस नवांश में गया, दशा कौन सी है, अंतर दशा कौन सी है जो कंसीव टाइम में है, वो सब चीज आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, पंचम में बलवान ग्रह, बलवान गुरु ग्रह, अगर पंचम में बलवान गुरु ग्रह जो होता है वो तो खैर पुत्री बोल दिया, शनि पुत्र देता है। अच्छा, दशा जो देखनी है आपको हमेशा कंसीव टाइम की दशा देखनी है। अगर मान लिया किसी मेल की पत्रिका आप देख रहे हैं तो तब कोई आपके पास आता है कि जैसे किसी बच्चा अगर हो चुका है तो आपको उसका चेक करना है कि भाई कैसे चेक करूं कि ये जो बच्चा मेल हुआ है ये मेल ही होना था या फीमेल ही होना था, तो उसके लिए पुरुष की पत्रिका में 270 दिन पीछे चले जाइए आप कंसीविंग टाइम देखने के लिए, क्योंकि नॉर्मली 9 महीने का टाइम पुरुष के लिए देखा जाता है, 9 महीने के 270 दिन चल जाइए पीछे, और फीमेल की पत्रिका के लिए, फीमेल के लिए 240 डेज पीछे जाइए आप, 8 महीने 240-250 दिन पीछे जाइए। लड़कियां नॉर्मली थोड़ा जल्दी हो जाती हैं ऐसा देखा गया है, इतना ज्यादा मतलब जो एक्सपीरियंस है अपना भी देखा है, यही हमने देखा है कि लड़कियां नॉर्मली जल्दी होती हैं, लड़के नॉर्मली थोड़ा लेट होते हैं। तो पुरुष के लिए 270 दिन पीछे जाइए। आज किसी के कोई पुत्र है और आपको चेक करना है कि भाई ये पुत्र जो है ये पुत्र होना था या नहीं होना था, या आप अपनी दशा चेक करना चाहते हैं, तो कंसीविंग टाइम के लिए अपने पुत्र की जो डेट ऑफ बर्थ है
उससे 270 दिन पीछे, या पुत्री की डेट ऑफ बर्थ है उससे 240 दिन पीछे जाएं और एक बार देख लें दशा, अंतर दशा देख लें, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा देख लें। अगर पुरुष ग्रह की है तो आपको चांस मिलेगा कि मेल चाइल्ड ही पैदा होना था और मेल चाइल्ड ही हुआ है। अच्छा, डिलीवरी होने के 72 दिन के पहले ये कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, इसके बारे में भी जब हम एग्जाम्पल लेंगे। डिलीवरी होने के 72 दिन के पहले मंगल का संबंध पंचम पंचमेश नवम नवमेश से रहता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। जब भी डिलीवरी हुई है आपकी, आप अपनी डेट भी लगा सकते हैं, डेट ऑफ डिलीवरी लगा सकते हैं, और डेट ऑफ डिलीवरी देख के आप ये देख सकते हैं कि 72 दिन पहले आपके मंगल जो था गोचर में, 72 दिन पहले की कुंडली लगा लीजिए आप, तो मंगल का संबंध आपको पंचम भाव पंचमेश या नवम भाव या नवमेश से मिलेगा। ये सिद्धांत क्यों है? ये सिद्धांत बृहद संहिता में वाराहमिहिर ने दिया है। अर्थ इसका अभी समझने में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे गुरुजी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि मंगल का संबंध इसके अंदर बीच में आता है 72 दिन पहले। तो होता है, हालांकि मंगल मासिक धर्म का कारक है, सब कुछ है, लेकिन 72 दिन पहले डिलीवरी के उसका संबंध पंचम पंचमेश से या नवम नवमेश से होना वो कैसे हो जाता है, जबकि मंगल को हम मरणात्मक ग्रह बोलते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? लेकिन आप किसी की कुंडली में भी देखिएगा कि जिस दिन डिलीवरी हुई है उससे 72 दिन पहले का आप डेट लगाइएगा तो आपका मंगल का संबंध आपको पंचम पंचमेश या नवम नवमेश से मिलेगा डिलीवरी होने के टाइम पे। संतान होने के लिए पंचम भाव एक्टिव होना चाहिए, पंचमेश एक्टिव हो, उसमें बैठे ग्रह एक्टिव हो, उसको देखने वाले ग्रह की दशा होनी चाहिए, और वो चंद्र से भी आप देख सकते हैं। तो ये सब नियम आपके संतान होने के लिए इसके अंदर हैं। दशा जिनमें संतान पैदा हो सकती है, पांचवें भाव में बैठे ग्रह की दशा, उसको देखने वाले ग्रह की दशा, यदि कोई नहीं हो तो पांचवें भाव के स्वामी की दशा, पांचवें भाव के कारक की दशा। कारक कौन होता है? गुरु होता है। गुरु सूर्य केतु कहीं भी बैठे हों उनकी दशा, क्योंकि गुरु सूर्य केतु तीनों कारक हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये पांचवें भाव को भले ही एक्टिव कर रहे हों या ना कर रहे हों, इनकी दशा में भी संतान पैदा होती है। गुरु एवं चंद्र से पंचम भाव में स्थित ग्रह या स्वामी की दशा, तो भी आपके देख लीजिए कि गुरु से पांचवा भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या चंद्रमा से पांचवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी दशा में भी संतान हो सकती है। तो कुंडली में आपको वो भी चेक कर लेना चाहिए जब संतान के लिए आपसे कोई पूछना आए कि कहीं ऐसा तो नहीं है गुरु से पंचम में बैठे ग्रह की दशा चल रही है या गुरु से पंचम में चंद्र से पंचम में बैठे ग्रह की दशा चल रही है। पांचवें भाव के स्वामी या कारक के साथ बैठे ग्रह की दशा, डी9 के लग्न चंद्र गुरु से पंचम स्थान में बैठे ग्रह की दशा, डी7 का लग्नेश जैसे पहले बताया आपको उसमें बैठे ग्रह की दशा में भी संतान हो सकती है। डी7 में चंद्र गुरु से पंचम में बैठे ग्रह या स्वामी की दशा भी हो सकती है। अगर चंद्र डी7 के अंदर भी आप जा सके देख सकते हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है, और उससे पंचम में जो ग्रह बैठे हैं अगर कोई नहीं बैठा है तो उसके स्वामी की दशा के अंदर भी संतान पैदा हो सकती है। तो ये कुछ दशाएं हैं जिनके अंदर संतान हो सकती है। तो जब भी आप किसी को बताएं तो इन दशाओं का ध्यान रख लें कि क्या इनमें से कोई दशा चल रही है, तो आप कह सकते हैं कि संतान का योग बनता है। दशाएं आपकी हैं, आप चाहें तो संतान के लिए जा सकते हैं। इसके बाद ये एक चीज देखी जाती है, ये तो बेकार से टाइम यहाँ थोड़ा, हाँ इसमें दो पॉइंट ऊपर के तो अलग आ गए हैं। पति की कुंडली में कंसीविंग टाइम में मैं आपको एक ये मतलब ये एक बड़ा अच्छा नियम बता रहा हूँ, इसको आप कर लीजिए कभी आजमा के देखिएगा। अब तो सबके संतान हो चुकी हैं, लेकिन जो संतान जिनके होने वाली हैं उनके लिए कभी इनको ये टिप दीजिएगा कि पति की कुंडली में कंसीविंग टाइम में चंद्रमा अगर उपचय भाव में हो, उपचय भाव कौन कौन से होते हैं जरा कोई बताइए। 3, 6, 10 और 11 3, 6, 10 और 11 भाव, वेरी नाइस। तो कंसीविंग टाइम में मतलब सोचिए कि कंसीविंग टाइम वो हो जब चंद्रमा उपचय भाव में हो पति की कुंडली में गोचर में, जन्मकालीन चंद्रमा से उसका ट्रांजिट जो है उपचय भाव में होना चाहिए, तो संतान पुत्र पैदा ही होगी। ये भी ब्रह्मीर का एक नियम है और काफी ठीक बैठता है कि कंसीविंग टाइम में चंद्रमा अगर उपचय भाव में हो, जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा अगर उपचय भाव में है, 3, 6, 10, 11 भाव में है, जो जन्मकालीन चंद्रमा है, ये पुरुष की पत्रिका की बात कर रहे हैं, पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं,
और स्त्री की कुंडली के लिए यही चीज अनुच्च स्थान में होना चाहिए। तो किसी का भी देख लीजिए आप पुरुष की कुंडली में आप देखिए और स्त्री कुंडली दोनों देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि भाई पुरुष कुंडली के हिसाब से भी उच्च स्थान में है और स्त्री कुंडली के हिसाब से वो कौन से स्थान में है। तो दोनों के धाम से देख के अगर आप जाते हैं तो पुत्र संतान की प्राप्ति ही होती है, ये आपको मिलेगा इसके अंदर। दूसरा मासाधिपति, देखिए मासाधिपति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्पेशल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ मासाधिपति, इसका बड़ा अच्छा ध्यान रखना है आपको। ये आपका पूरा रोल प्ले करता है पूरी प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर, 9 महीने के अंदर जो भी प्रेगनेंसी का पीरियड है उसके अंदर ये पूरा रोल प्ले करता है। प्रेगनेंसी का जो पहला महीना होता है उस महीने का अधिपति होता है शुक्र, उस महीने का अधिपति शुक्र होता है। वो क्यों? वो इसलिए होता है कि पहले मास का अधिपति शुक्र होता है क्योंकि वो वीर्य का कारक है, शुक्र जो है वीर्य का कारक होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपको बताऊंगा कि इनमें से अगर गोचर में ये कुछ चीज पीड़ित हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पहले मास का अधिपति शुक्र है, दूसरे मास का अधिपति मंगल है, पहले मास का अधिपति शुक्र क्यों? क्योंकि शुक्र वीर्य का कारक होता है और पहले मास में बेसिकली वीर्य ही, दूसरे मंत्र कारक मंगल है, मंगल जो होता है वो किस चीज का कारक होता है? क्योंकि इस समय एक दूसरे मास में एक शुक्राणु व अंडाणु के फर्टिलाइजेशन से एक मास का लोथड़ा टाइप का बन जाता है तो वो दूसरा मास होता है, तो उसको मंगल शो करता है। तीसरा मंत्र गुरु होता है क्योंकि उसके अंदर बच्चे के अंदर एक जान सी पड़नी शुरू होती है, या यूं कहिए कि बच्चा एक फॉर्म लेना चालू करता है, बच्चे का विकास शुरू होना शुरू होता है। तो तीसरे महीने का जो मासाधिपति है वो गुरु है, चौथे महीने का जो मासाधिपति सूर्य है वो सूर्य जो है धड़कन का कारक है, तो धड़कन वगैरह बच्चे की स्टार्ट हो जाती है तो सूर्य चौथे महीने का मासाधिपति है। पांचवें महीने का मासाधिपति चंद्र होता है, चंद्र से बच्चे के शरीर को पोषण मिलता है और ऐसे में माता पिता को अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पांचवें महीने में चंद्रमा की चांदनी में तो जीवन परखता है, मतलब इसलिए चंद्रमा जो है पोषण देता है। सर सबको पांचवें महीने में, सब लोग म्यूट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां बात आती है तो फिर सुनाई नहीं देता है। हाँ, म्यूट कर लीजिए, वो ज्यादा डिस्टर्ब करता है क्योंकि वो इसके टॉपिक के अलावा की चीजें होती है। हाँ, पांचवें महीने का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पोषण का कारक है और ऐसे में ही बच्चे को शरीर को पोषण मिलना शुरू होता है। तो ऐसे में कहते हैं कि माँ जैसा खाएगी वैसा बच्चे को मिलेगा और उस तरह का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा। छठे मास का अधिपति शनि होता है, इस समय बच्चे का नर्वस सिस्टम बनना चालू होता है, जो बच्चा है उसका नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है छठे मास में, सभी नसों का जाल बिछना चालू हो जाता है। सातवें महीने का अधिपति बुध है, सातवें महीने का अधिपति बुध है क्योंकि इस वक्त बच्चे के शरीर पे स्किन आनी शुरू हो जाती है, पूरे शरीर पे स्किन से कवर हो जाता है बच्चे का शरीर। आठवें महीने का जो मासाधिपति है वो बाकी पत्रिका का पंचमेश माना जाता है या अघान समय का स्वामी मानते हैं, लेकिन अघान का समय नॉर्मली मालूम नहीं होता कि कब कंसीव किया या क्या किया, तो माखी पत्रिका का पंचमेश ले लेते हैं कि जो माखी पत्रिका का पंचमेश है वो आठवें महीने का अधिपति है। नवे महीने का अधिपति चंद्र है और दसवें महीने का अधिपति सूर्य है, कई बार दसवें महीने तक बात पहुंच जाती है डिलीवरी होने में, जैसे स्वामी विवेकानंद है वो शायद 10 महीने के अंदर उनकी डिलीवरी हुई थी, तो पहले सप्ताह में, दसवें महीने के पहले सप्ताह में वैसे डिलीवरी हो जाती है। तो इस समय बच्चा और जच्चा का शरीर अलग होता है, तो इसका कारक सूर्य होता है। अब ये कारक बताने की आपको क्या आवश्यकता है यहाँ पर, अगर सपोज कीजिए किसी स्त्री का चौथा महीना है और सूर्य उसका मासाधिपति है और मासाधिपति गोचर में उनका पीड़ित है तो उस माह थोड़ी प्रॉब्लम रहने की संभावना होती है, या जब 9th मंथ हो और मंगल चंद्र के ऊपर से गोचर कर जाए तो सिजेरियन ऑपरेशन होने की संभावना होती है। अच्छा, मासाधिपति को चेक करना है तो पहले मास का जो मासाधिपति है वो देखना है पुरुष कुंडली में और बाकी जो मास के मासाधिपति हैं वो स्त्री कुंडली में देखने हैं। दूसरे मासाधिपति तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, वो आपको स्त्री कुंडली में देखने हैं। अगर मासाधिपति गोचर में पीड़ित हो तो उस माह प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, वो ध्यान रखना चाहिए जब कुंडली आपकी आपके पास हो कि आपका देख लीजिए चौथा महीना चल रहा है, पांचवा महीना चल रहा है और कौन सा मासाधिपति है वो गोचर में पीड़ित तो नहीं है, उस पर ध्यान रख के चलिए। अगर गोचर में पीड़ित है तो अपनी केयर करके चलिए तो कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होगी। तो
ये मासाधिपति के बारे में था। दूसरा पांचवे भाव के स्वामी का बारहवें भाव में जाना, भाग्येश का आठवें भाव में जाना, ये तो एक नॉर्मल सिद्धांत है, मैं आपको बता रहा हूं वैसे ये नॉर्मल सिद्धांत है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि पांचवें भाव का स्वामी बारहवें भाव में जाए सबसे बुरा, भाग्येश का आठवें स्थान में जाना उससे बुरा, और लग्नेश का छठे स्थान में जाना भी सबसे गलत। ये तीन चीजें जो है बड़ी गलत स्थिति है, आदमी हमेशा लगा ही रहता है। ये साधारण नियम यहाँ पर आ गया, भाई चंद संतान संबंध से इससे कोई संबंध नहीं है, ये वैसे ही इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन वैसे ही नोट करके रखिए कि पंचम का बारहवें भाव में जाना, भाग्येश का अष्टम भाव में जाना और लग्नेश का छठे भाव में जाना नॉर्मली अच्छा नहीं होता, ये सबसे गलत स्थिति मानी जाती है। अच्छा, संतान अच्छी होगी या बुरी वो पंचम से नहीं, माता पिता की पत्रिका से मालूम चलता है। माता पिता की पत्री में कंसीविंग डेट दीजिए, अगर कंसीविंग डेट के समय माता पिता की पत्रिका में छठे आठवें या बारहवें भाव की दशा चल रही है, पिता की पत्रिका आप उठाइए और चेक कीजिए कि कंसीविंग के समय छठे आठवें या बारहवें भाव में बैठे ग्रह की दशा या छठे आठवें बारहवें भाव के बैठे स्वामी की दशा तो नहीं चल रही। अगर ऐसी चल रही है तो कह सकते हैं कि संतान अच्छी नहीं होती, आपका सेवा करने वाली नहीं होती। दूसरा, संतान मेंटली रिटार्डेड भी हो सकती है। आप देखते हैं कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो जाते हैं, तो नॉर्मली अगर आप मेंटली रिटार्डेड बच्चों की कुंडलियां देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब उनका जन्म हुआ है और जब उनकी कंसीव हुआ होगा, तो कंसीव जब हुआ होगा तब आप देख सकते हैं कि उस वक्त पिता की कुंडली का छठा आठवां या बारहवां भाव कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था दशा में। ये सिद्धांत समझ में आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अब कैसे देखना है वो तो वही चीज है कि लड़की के जन्म के लिए 240 से 250 दिन पीछे जाएं और लड़के के जन्म के लिए 270 जी में जाएं। मान लिया कोई बच्चा है, अब ये जरूर ध्यान रख लीजिए कि जब आपके संतान कंसीव कर रहे हैं तो उस वक्त पिता की छठे आठवें बारहवें भाव की दशा तो नहीं चल रही, ये भी आपको ध्यान रखना है कंसीविंग टाइम में। एक तो ये कि अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा दोनों मेल ग्रह की है तो पुत्र होगा। दूसरा, चलिए छोड़ दीजिए वो उस चीज को, तो क्योंकि आज के जमाने में सब चीजें नेग्लिजिबल है, कोई दोनों बराबर है, बट ये जरूर चेक कर लीजिए कि जिस समय कंसीव हो रहे हैं उस समय पिता की पत्रिका के अनुसार वो दशा छठे आठवें बारहवें भाव की तो नहीं। अगर वो ऐसा है तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है और उस दशा में चांसेस है कि बच्चा जो पैदा होता है वो किसी ना किसी कमी लेकर पैदा हो, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो, चाहे वो कम होशियार हो, चाहे वो आपकी बात ना मानने वाला हो, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशल चाइल्ड हो सकता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं आप दोनों पत्रिकाओं में चेक कर लीजिए, पिता की पत्रिका भी देख लीजिए, माता की पत्रिका भी देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। कहीं भी मेंटली रिटार्डेड बच्चों की पत्रिका आपके पास हो आप लाइए, हम लोग भी चेक कर लेंगे उसको, और उसकी पत्रिका में आप देखिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, क्या डेट ऑफ बर्थ थी बच्चे की, और उससे 240 दिन पीछे जाइए लड़की के केस में, लड़के के केस में 270 दिन पीछे जाइए और देखिए माता पिता की पत्रिका में छठे आठवें बारहवें की दशा तो नहीं चल रही, तो आपको चांसेस हैं कि कुछ मिल जाएगा कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम थी इसलिए ये दिक्कत हुई है बच्चे के अंदर। सभी संतान जैसे मैंने पहले कहा कि हम पांचवें घर से ही देखेंगे, कोई भी संतान हमको पांचवें घर के अलावा घर से नहीं देखनी है। जो लोग बोलते हैं कि सातवें घर से जाइए, नवे घर से जाइए, सातवां घर केवल इतने ये होता है देखने के लिए कि दूसरी संतान का सुख है या नहीं, क्योंकि पांचवा घर से सातवां घर आप लगा लीजिए, या आपका पांचवे का तीसरा हो गया, पांचवे का तीसरा होना चाहिए छोटे भाई, यानी छोटे भाई बहनों का सुख है या नहीं है उसके लिए एक बार देख सकते हैं आप सातवां घर, अदरवाइज आपको संतान सारी पांचवें घर से देखनी है। सूर्य शनि मंगल राहु सब एक साथ हों तो संतान नहीं होती, ये ध्यान रख लीजिए। सूर्य शनि या मंगल में से कोई एक पंचमेश होकर पंचम में हो, तो ये जो देसाई साहब बोल रहे थे, तो इनमें से कोई पंचमेश होकर पंचम में बैठा है तो संतान होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6-8-12 बैठे में बैठे ग्रह संतान दे सकते हैं, जैसे गुरु सूर्य और केतु, ये हमने बताया कि गुरु सूर्य और केतु जो है वो कुंडली के अंदर कहीं भी बैठे हों वो संतान दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। राहु या शनि का प्रभाव पंचम भाव स्वामी या कारक पर हो तो संतान हमेशा देर से कराएगा। राहु या शनि पंचम भाव को देख रहा हो, पंचम भाव के स्वामी को देख रहा हो, पंचम भाव के कारक को देख रहा हो, या पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में या कारक के साथ बैठा हो, तो
ये आपकी संतान में डिले करवाते हैं अगर शनि पंचम भाव को या पंचम भाव के स्वामी को या कारक को दिख रहा है या राहु का प्रभाव भी उसके ऊपर। गुरु की पंचम में अगर दृष्टि है तो पुत्र, गुरु अगर पंचम में बैठे तो कन्या बोलते हैं, लेकिन गुरु की पंचम में दृष्टि हो तो पुत्र दे सकता है। ये बोला गया है कि गुरु पंचम में बैठे तो कन्या होती है, कि तो कहते हैं कि कारको भाव नाशाय जिसे बोलते हैं, उसके लिए बोला जाता है कि गुरु अगर पंचम में बैठेगा तो भाव की थोड़ी अल्प हानि होती है, लेकिन इसको आज की डेट में अल्प हानि नहीं कहना चाहिए, चाहे वो संतान स्त्री पुत्री हो या पुत्र हो, लेकिन पंचम में बैठ के गुरु पुत्री देता है तो पंचम पे दृष्टि डाल के गुरु पुत्र देता है। वही लिखा है कि अकेला गुरु पंचम में हो तो पुत्र देने से मना करता है, यानी पुत्री देता है, ये इसके अंदर दिया गया है। अच्छा, पंचम भाव से हम लोग, अच्छा यहां पर यहां तक हमारा संतान भाव हमारा होता है, इससे आपको कुछ समझना है, कुछ और चीज पूछनी है जो चीज समझ में ना आई हो? बहुत सारा। हाँ, मैंने जैसे बताया, मान लो आपने बोला कि फिफ्थ हाउस पर दो पाप ग्रह और एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो नलिफाई होगा उसका बुरा इफेक्ट? नहीं, दोबारा बोलिए जरा सर। फिफ्थ हाउस पर मान लो सूर्य मंगल के एस्पेक्ट है जी, और साथ में गुरु की एक्सपेक्ट है। हाँ, तो एक तो गुरु उसका कारक हो गया और हाँ, शुभ ग्रह है जी, तो फिर कैसे इफेक्ट देगा वो? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सूर्य मंगल अगर दृष्टि दे रहा है, गुरु की दृष्टि है तो गुरु बचा सकता है। हाँ, वही गुरु बचा सकता है। गुरु की दृष्टि जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करती है, क्योंकि कारक भी है संतान का, तो वो बचा सकता है। सूर्य मंगल और उसी हाँ, की महादशा है, मान लो गुरु की उसी टाइम पे महादशा भी है उसकी। हाँ, तो फिर जो सूर्य या मंगल जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हाँ, तो उसको वो सामने काउंटर कर सकता है। काउंटर कर सकता है। दूसरा जो काक बंद जो आपने, उसमें सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया, काक बंद दिया हाँ, या आपको खोलेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, एक वो स्लाइड वाली स्लाइड। अच्छा, वो नियम तो केवल आपको बस याद करने पड़ेंगे, उनमें फिर भी सब समझना तो पड़ेगा। हाँ, मतलब उसमें ऐसा याद कुछ याद तभी रहेगा ना, कि इतना पूरा तो सब रट्टा मार नहीं सकते ना। रट्टा नहीं, लेकिन काक बंदिया के योग जो है वो दो या तीन योग ही हैं, वो बस उनको तो से मैं सेकंड पॉइंट जो है वो क्या कहना चाहते हैं। एक सेकंड मैं देखता हूँ जरा यहाँ पर कहाँ था वो। आगे अभी भी आगे है, आगे ये जो सेकंड पंचम, हाँ, पंचमे नीच राशि में स्थित हो और पंचम को नहीं देखता हो और पंचम भाव में, मतलब ये सब मिला के होगा तब होगा। और है मतलब ये इसमें ये और है, मतलब ये चय वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है संस्कृत के श्लोक में, तो चय का मतलब और होता है, तो और सब चीजें हैं, ये सारी चीज मिला दें तो काक बंदिया हो जाती है। देखिए सर, ये फिर वापस लाली साहब, ये मुझे काउंटर कर रहे हैं लेकिन खुद समझ नहीं रहे। मेरा तो जो भी क्वेश्चन होता है ना सर, बीच में जो रोकता है वो टॉपिक के रिलेटेड है, वो अपनी घर की बातें सबको सुना रहा है, तो सर वो ज्यादा डिस्टरबेंस होता है उनको, मेरा जो डिस्टरबेंस होता है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उनको म्यूट करिए, सब लोग आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। देसाई साहब बोलिए और क्वेश्चन बोलिए आपका कोई। देखिए, अब मान लो जैसे आपने बोला पांचवें भाव को तीन अशुभ ग्रह प्रभावित करते हैं हाँ, तो बुरा होता है हाँ, अब ये नेचुरली मैलिफिक गिनना है या जैसे बुध और मून को भी उसमें लेना है? नहीं, नेचुरली मैलिफिक लेना है। और मान लो कि दो तीन अशुभ है और एक शुभ है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, वो तो आपको तारतम्य से चीजें देखो लगानी है उसके अंदर, वो तो आपको श्लोक के अंदर क्या होता है कि वो आइसोलेशन में कोई चीज बोलते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह भी साथ बैठ जाए, तो उसका वो चीज तो आपको अपने आप से लगानी है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने अलग श्लोक के अंदर बोल दिया है कि किसी भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो इम्प्रूव होता है, भाव की वृद्धि होती है, तो वो तो आपको, या भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो भाव की वृद्धि होती है, एक श्लोक में उन्होंने ये बोल दिया,
दूसरे श्लोक में उन्होंने ये बोल दिया कि भाई भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हों तो भाव की हानि होती है। तो अब आपको अंदाजा लगाना है कि पाप ग्रह भी बैठे हैं, शुभ ग्रह भी बैठे हैं, तो उसके अंदर आपको लगाना है कि भाई कैसे काउंटर होंगी चीजें, वो आपको आइडिया लगाना। हाँ, नहीं लेकिन उसमें ऐसा है ना कि संतान बुरी होगी जब तीन अशुभ ग्रह का प्रभाव है। हाँ, तो संतान बुरी होगी ऐसा आपने उसमें लिखा है जी। तो फिर मेरा ये क्वेश्चन है कि तीन मतलब मान लो तीन अशुभ ग्रह देख रहा है लेकिन एक शुभ ग्रह देख रहा है। अब आप देखने जाओ तो इसके अंदर तो दो ही शुभ ग्रह नेचुरली बेनिफिट तो दो ही है, गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र और बाकी सब तो पाप में ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा तो वही रहेगी कि ज्यादातर पाप ग्रह देखेंगे, तो वो ये दो ही शुभ ग्रह है तो बैलेंस कैसे होगा, मेरा ये क्वेश्चन है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि गुरु और शुक्र देखेंगे तो बैलेंस तो होगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। गुरु देखे या शुक्र देखे तो उससे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मान लिया गुरु शुक्र भी नहीं देख रहे हो और तीनों ग्रह बैठे देख रहे हैं उसे, तो नॉर्मल वो जाहिर है बात आपकी वो होगी। लेकिन ये देखेगा तो उसको काउंटर कर सकता है। काउंटर करेगा, मैं बाकी वही बोल रहा हूँ कि एक श्लोक में कुछ कहा है, दूसरे श्लोक में कुछ कहा है, तो दोनों श्लोक का आपको अर्थ जोड़ के चलना है। शुभ ग्रह हमेशा काउंटर करेंगे, अशुभ ग्रह हमेशा अपोजिशन में काम चलेंगे। खाली उस अशुभ ग्रह बैठे हों तो अपोजिशन ही करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वो उसमें यही बोला है कि तीन के तीन ग्रह अगर ऐसे हों तब संतान आपकी अच्छी नहीं होती, लेकिन उसमें से कोई एक देख रहा है, शुक्र देख रहा है या गुरु देख रहा है, तो उसका इफेक्ट कम हो गया। आगे चलिए। अब मान लो D7 के अंदर आपने जैसे बोला है कि इसकी राशि है या उसकी, तो D7 में मान लो कि जो लग्न है एसेंडेंट जो है मतलब लग्न की राशि, तो वही D7 में भी आ गई, तो D7 की हाँ आप देखिए ना, मतलब संतान आपको जो होगी मतलब बहुत प्रिय संतान होगी आपकी। अच्छा, और मान लो कि वो D7 में और जो लग्न में दोनों की एक ही राशि है, और लेकिन वो जो D7 का जो लॉर्ड है हाँ, वो 12th में जाके बैठा है हाँ, हाँ, right? तो हम ऐसा उससे वो कर सकते हैं, तातर में लगा सकते हैं कि भाई उसकी संतान होगी लेकिन वो फॉरेन से रिलेटेड, या उसकी संतान बाहर होगी फॉरेन में, जैसे वो खुद बंदा बाहर गया यहाँ से अपनी जन्म की जगह से और वहां पे उसको डिलीवरी होती है। ऐसा देखिए, D7 चार्ट से तो ऐसा नहीं करना है, D7 चार्ट से तो ऐसा नहीं लगाना है। D7 चार्ट से तो आपको जो चीज बताई है केवल वही देखनी है, वहां से हम लोग फॉरेन लैंड या उन चीजों को ऐड नहीं। ये D7 में ना आपने क्या बोला कि संतान जो है उसका लग्न हो गया, बराबर संतान का लग्न हो गया, लेकिन इट डजंट मींस कि वो संतानी कुंडली हो गई। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि संतान का लग्न राशि का ही फर्क पड़ता है कि कैसा संतान आपकी होगी। चौथे भाव का राशि आपके उसमें आ जाए तो संतान आपको सुख देने वाली होगी, तीसरे भाव की संतान आ जाए तो संतान आपकी आपको बल देने वाली होगी, नवे भाव का राशि वहां पे आ जाए तो संतान आपके लिए भाग्य लेकर आएगी, ऐसा करके मतलब उसके अंदर इतना वही तो आपने वो भाग्य लेके आएगी, तो वैसे ही वो संतान उसकी फॉरेन में बैठी हुई है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे आपने बोला, मैं उसी से मैंने ये तार लगाया कि मान लो कि वो 5th जो 9th में है तो वो भाग्य उसके साथ आ गया, तो वैसे ही वो फॉरेन लैंड में जाके बैठा है, 12th में बैठा है, तो वो ऐसा हो सकता है कि वहां वो फॉरेन का हो गया ना, वैसे डिलीवरी उसकी बाहर हुई, वो लगा सकते हैं उस तरह से लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो 12th मतलब फॉरेन भी हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अब तो ऐसा हो गया, पहले क्या था घर पे होती थी डिलीवरी, अब तो जनरली हॉस्पिटल में ही होती है डिलीवरी, तो हम वे तो नहीं लगा सकते कि हॉस्पिटल में, ऐसा भी नहीं लगाएंगे कि वो जेल में हुई, तो तीसरा क्या हुआ, फॉरेन ही हुआ ना। बिल्कुल, सो इसीलिए ऐसा लगा सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन बताइए। अब ये जो D7 का जंगल जो आपने बोला वो दोनों में लगाना है या सिर्फ मेल की कुंडली को देखना है? नहीं, मेल की कुंडली के लिए। अच्छा, देखिए संतान होगी या नहीं होगी ये मेल कुंडली में चेक करना है आपने। ये जब आप मेल की कुंडली चेक करेंगे संतान के लिए कि है या नहीं है संतान का योग, तो मेल की कुंडली देखेंगे, तभी आप D1 भी देखेंगे, D7 भी देखेंगे, D9 भी देखेंगे, सारी चार्ट ये देखेंगे आप, तब आप बताएंगे सारी चीजें देखेंगे। ओके, अब आपने वो जो संतान पैदा वाला जो पोर्शन जो स्लाइड थी, तो मतलब दैट मींस डिलीवरी या कंसीव? कंसीव आगे आगे जो है वो नहीं, आगे आप देखिए आगे, इसके आगे, आगे की जो स्लाइड है ना, इसके बाद अभी भी आगे है और आगे काफी, मतलब जो हाँ बस ये जो है पैदा होने का मतलब दैट मींस कंसीव का आप बता रहे हो या ये हाँ, सब सारा देखिए ये सारा जो है
ये सब चीजें कंसीव की दशा, कंसीव ही होती है ना, कंसीव होगा तभी तो पैदा होगा। नहीं लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, कंसीव तो हुआ ना, ना, ना आगे का इश्यू ना, ना, ना संतान, संतान पैदा होने की दशा नहीं है, ये सब कंसीव करने की दशा है। इन दशाओं में कंसीव हो सकता है, ये आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं मतलब सब दशा तो कोई भी हो सकती है। यहां तो कंसीव हुआ, अभी अभी आगे जाइए, मैं आगे जाइए और आगे लीजिए और वो जो पोर्शन है इसके उसके बाद एक मिनट। तो ये जो ये जो है वो कंसीव होने के बाद का पोर्शन है ना? हाँ हाँ ये कंसीव होने के बाद का पोर्शन। ओके और आगे लीजिए तो सॉरी, अब माँ ये जो प्री मैच्योर है वो कैसे देखेंगे? तभी क्या होता है प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, वो मैंने बताया ना मासाधिपति से। आपको जो मासाधिपति अगर अब जैसे सातवां महीना है मान लिया, सातवें महीने का मासाधिपति गोचर में बहुत पीड़ित हो गया आपका, तो उस केस में ये मासाधिपति का जो देखना है आपको तो स्त्री कुंडली में देखना है, तो उस केस में बाय चांस अगर डिलीवरी हो जाती है तो स्किन बच्चे का कहते हैं ना कि सातवें महीने में बच्चा होना, यानी शायद आठवें महीने में बच्चा होने को बोलते हैं कि बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है अगर आठवें महीने में बच्चा हो तो। सातवें महीने का बच्चा तो बच भी जाता है, आठवें महीने का बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, माफी पुत्री पत्र का पंचमेश देखते हैं। तो प्री मैच्योर डिलीवरी होने का मतलब यही है कि मासाधिपति जो उस मास का है वो पीड़ित है, तो या तो वो उसको प्री मैच्योर डिलीवरी करेगा उसके अंदर, या गर्भपात कराएगा या अबॉर्शन कराएगा। लेकिन अब जैसे प्री मैच्योर कभी क्या होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी होती है उसमें बच्चा ले बच जाता है, कभी कभी क्या होता है मां की डेथ हो जाती है। देखिए आज के डेट में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, जब जबकि चीजें हैं अब काफी कुछ तरक्की कर चुकी है। नॉर्मली प्री मैच्योर डिलीवरी के अंदर बच्चे को अब बचा ही लेते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि बच्चा अब ना बचे, लेकिन पहले इस जमाने में तो डेथ वगैरह बहुत ज्यादा होती थी ना, बचपन बच्चे पैदा होते थे, मृत्यु प्राप्त हो जाती थी, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम के उसमें इन्होंने मासाधिपति का जिक्र किया है। बट मासाधिपति फिर भी आज की डेट में भी उतना ही वैलिड है कि अगर गोचर में पीड़ित हो मासाधिपति तो आप देखिएगा कि प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होगी 100%। वो समझ गया मैं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो लेकिन मदर का डेथ हो जाता है उस टाइम पे और बच्चा बच जाता है, या तो वो कैसे देखे? नहीं मदर का डेथ तो वो तो मदर की कुंडली देख के या मदर की आयु देख के ही पता। ये तो आपने ये जो मासाधिपति वाला पोर्शन है वो तो वैसे भी हम उसके बाद ही देख रहे हैं ना, फर्स्ट है वही पिता का है, कंसीव होने के बाद देख रहे हैं। हाँ तो हम जो सेकंड मंथ से जो भी देख रहे हैं वो पूरा मदर की कुंडली में देख रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर वो कैसे हम उसका मतलब फाइन ट्यून कर पाएंगे या उस पॉइंट पर पहुंच पाएंगे कि मदर का मतलब उसके लाइफ थ्रेटनिंग है या नहीं है? नहीं मदर की लाइफ थ्रेटनिंग के लिए तो आपको मदर की कुंडली में उसका वो चेक कीजिए ना कि उसका मारक खंड तो नहीं चल रहा, उसकी एज में प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ दीर्घायु है अल्पायु है क्या है, मारक खंड तो नहीं चल रहा है उनका। अगर ऐसा चल रहा है तो फिर हम कह सकते बात बन सकती है कि हाँ भाई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि संतान पैदा होते हुए इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम हो, और मेडिकल समस्या भी दिखाई देती है मदर की कुंडली से। तो वो चीजें। और किसी का क्वेश्चन है कोई? एक बच्चा है सर। एक बच्चा है, बच्चा पूछ लीजिए। ट्विन्स जो है आपने बच्चे का दिखाया, अब दो बच्चे होंगे या तीन होंगे या कभी कभी किसी को एक साथ दो हो जाते हैं, वो कैसे करें? ट्विन्स का मैंने इसमें आपको एक सेकंड इसका इसमें दिया नहीं क्या? नहीं है अभी, इसमें काफी आया ये सब इसमें है सारा, जुड़वा बच्चों का तिड़वा बच्चों का सब चीज के अंदर है। घुटने में तो नहीं आया इसलिए। पीछे की कुछ स्लाइड सर अपन ने नहीं देखे शायद, ये लिखा है जुड़वा संतान में पहला बच्चा लगन से और दूसरा बच्चा चंद्र लगन से देखे। हाँ, बच्चे को जब एनालाइज करे तब जो पैदा हो गया ना उसके लिए देखने के लिए, जब पैदा हो गया तो उसी कुंडली देखने के। लेकिन मेरा नहीं, बताता हूँ मैंने करा था इसके अंदर, ये है ना देखिए, ये अधिकतर ग्रह वृषभ राशि में हो तो जुड़वा संतान में होती है, ये है इसके अंदर।
लेकिन वो सब चीजें आपने बताया नहीं था। हाँ आगे चलेंगे हम लोग, तो ये इसके अंदर आएगा, काफी बड़ा चैप्टर है ये संतान का, तो इसलिए मैंने आज रखा था कि इसमें इसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। और किसी ने कुछ पूछना है? ये तो देसाई साहब का तो हो गया, और बताइए कोई। स्वस्ति का तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ साथ में। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सुनते रहो रिकॉर्डिंग, सुनना ना रिकॉर्डिंग के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब हाँ बोलो बोलो सर, आपने बताया था कि आप एक बता रहे थे कि बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, माता पिता से संबंध कैसा होगा, तो उसमें आपने एक तो दशा की बात की कि जब आप कंसीव करें उस टाइम पे कौन सी दशा चलती है उस पे फर्क पड़ता है। तो मान लीजिए अगर किसी की वीनस की दशा चल रही है, वीनस आपका सिक्स हाउस का स्वामी है, तो वो रिलेशनशिप कैसा जाएगा अगर लग्नेश भी है वो साथ ही साथ? देखिए तब नहीं जाएगा, तब खराब नहीं जाएगा। आप एक चीज सोचिए इस चीज को कि छठे आठवें बारहवें भाव में बैठे ग्रह की दशा अगर चल रही है, छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, आठवें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, या बारहवें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ, चाहे वो स्वामी केंद्र का ही क्यों ना हो, अगर छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा ग्रह है तो उसकी दशा में आपको प्रॉब्लम होनी होनी है। आप छठे भाव का स्वामी है मान लिया, और वो जाके बैठ गया आपका केंद्र में त्रिकोण में, तो थोड़ा होगी। लेकिन छठे आठवें बारहवें भाव में बैठे ग्रह की दशा के, मैंने स्पेशली कहा है आपसे कि छठे आठवें और बारहवें भाव में बैठे ग्रह की दशा चल रही है। अच्छा, ग्रह की दशा? हाँ हाँ, तो उस जगह मतलब उसके लॉर्डशिप की बात नहीं कर रहे हैं, लॉर्डशिप की बात नहीं कर रहे, छठे आठवें बारहवें जी। तो आगे चलते हैं, आगे अब इसके अंदर हम लोग मासाधिपति हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम ये देखते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया कि जितने भी बच्चे फिजिकली चैलेंज होते हैं उसके लिए गर्भाधान का समय जिम्मेदार होता है। अगर उस समय माता पिता की दशा छह आठ में बैठे ग्रह की हो तब ये समस्या होती है, इसलिए गर्भाधान का समय जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, उसको ध्यान में रखना जरूर चाहिए। सर मेरा एक सजेशन था, अगर इसमें कोई अपन हॉरोस्कोप देखे किसी का, तो मेल फीमेल का, तो हाँ हॉरोस्कोप तो देखेंगे मैडम इसके अंदर। अभी जब ये संतान का ये थ्योरी खत्म हो जाएगी तो फिर हॉरोस्कोप देखना है, मतलब मैं तो कहता हूँ कि अगर आप भी कोई हॉरोस्कोप लेकर आए जहाँ पे सब चीजें ऐसी हों, तो हम लोग उसके अंदर भी चेक कर सकते हैं कि भी पुत्र पैदा हुआ या नहीं पैदा हुआ या क्या हुआ, वो तुम देखेंगे क्लास के अंदर। ओके सर, संतान भाव पूरा होने के बाद, उसके बाद हम संतान भाव के हॉरोस्कोप देखेंगे, दो तीन हॉरोस्कोप देखेंगे, ताकि उस चीज से हमारे सारे नियम हमारे क्लियर हो जाए इसके अंदर। अभी तो मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बताया कि कैसे कैसे हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात ये कि गर्भ ठहरेगा या नहीं ठहरेगा इसे कैसे समझे, इसके लिए गुरु की स्थिति को पत्रिका में देखना बहुत जरूरी है, गोचर में समझना बहुत जरूरी है। अगर गोचर में गुरु पीड़ित बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी गर्भ की हानि होने की संभावना होती है, या संतान में प्रॉब्लम समस्या हो सकती है पैदा होने में। तो जब गुरु गोचर में पीड़ित हो कंसीव होने के बाद, तब भी एक बार ध्यान देना, क्योंकि गुरु जो है संतान का कारक होता है, तो उसको भी ध्यान दे लेना चाहिए कि गुरु पीड़ित है गोचर में, तो ऐसे में थोड़ा उस वक्त ध्यान रखना चाहिए। जन्म के समय बच्चा ऑपरेशन से पैदा होगा, इसके लिए गोचर पे आश्रित होना है, ये बताने के लिए कि जन्म से बच्चा ऑपरेशन से पैदा होगा या सिंपल नॉर्मल डिलीवरी होगी। आज की डेट में तो देखिए, आज की डेट में ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया, क्योंकि आज की डेट में तो सारे लोग जाते ही हैं, वो इवन माँ बाप भी ये चाहते हैं कि भाई ज्यादा परेशानी ना हो, बच्चा ऑपरेशन से ही हो जाए। और प्राइवेट हॉस्पिटल तो 70% 80% केसेस के अंदर बच्चा ऑपरेशन से ही पैदा करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी पैदा करने की कोशिश करते ही नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जरूर थोड़ा बहुत फिर भी कोशिश की जाती है कि नॉर्मल से डिलीवरी की जाए, बट ये इसके लिए दिखाता है कि चंद्रमंगल केतु की दशा चल रही हो, चंद्रमंगल या केतु की दशा मिल रही हो, और पूरे चांस है कि बच्चा ऑपरेशन से होगा। अगर और यहाँ पे आपको सूक्ष्म दशा तक जाना है, यानी बच्चा पैदा होने के समय की बात कर रहे हैं, अब बच्चा कंसीव होने के समय की बात नहीं कर रहे, अब बच्चा पैदा होने के समय बात कर रहे हैं कि बच्चा पैदा होने के समय अगर चंद्रमंगल केतु की दशा चल रही है इनमें से किसी एक की, तो चांसेस हैं
कोई भी ले लो, प्रत्यंतर ले लो, अंतर ले लो, सूक्ष्म दशा तक जाओ, सूक्ष्म दशा तक देख लो आप, तीनों में से कोई भी एक, हाँ तीनों में से कोई भी एक अगर ये चल रहा है तो परेशानी हो सकती है, बच्चा ऑपरेशन से पैदा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा भी ऑपरेशन कारक है और मंगल केतु तो मरणात्मक प्रभाव देते ही हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं। चंद्र यदि अशुभ ग्रहों के साथ गोचर कर रहा हो और समय पूरा हो रहा हो, मान लिया 9 महीने पूरे हो रहे हैं, बच्चा पैदा होने का समय पूरा हो रहा है और चंद्र जो है वो आपका अशुभ ग्रहों के साथ गोचर कर रहा है, आपका जन्मकालीन चंद्र बहुत ज्यादा पीड़ित है, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त है, अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो भी नॉर्मल डिलीवरी होने में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। नॉर्मली ऑपरेशन से तो लोगों कर ही देते हैं आज की डेट में, वो कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है, पर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बड़ा कम होता है चांस के इस तरह की प्रॉब्लम आए और अबॉर्शन ऑपरेशन से डिलीवरी हो, तो वो जब ही होता है जब इस तरह की समस्याएं होती है इसके अंदर। इसके बाद संतान पैदा होते समय, वर्तमान समय में वैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टरों के कारण ही बच्चा ऑपरेशन से पैदा होता है, और ये देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 60% बच्चे ऑपरेशन से ही होते हैं। तो पुरुष जातक की कुंडली में सूर्य एवं शुक्र का बहुत महत्व होता है, ये ध्यान रखिए, पुरुष जातक की कुंडली में सूर्य शुक्र का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सूर्य जो है उर्वरता देता है और शुक्र वीर्य देता है, तो यदि पुरुष की कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो उसकी वीर्य में शुक्राणु ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते, अथवा उर्वरता अच्छी नहीं होती, और इसलिए सूर्य के साथ शुक्र को भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए उसके बाद गुरु को देखना चाहिए कि गुरु आशीर्वाद देता है। तो सूर्य शुक्र पुरुष की कुंडली में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, शुक्र बहुत अच्छा है बट सूर्य अच्छा नहीं है, तो शुक्र से आपको जो वीर्य में शुक्राणु मिलेंगे वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे अगर सूर्य अच्छा नहीं है, तो वो चीज को देखने के लिए तो सूर्य शुक्र को भी पुरुष की कुंडली में देख लेना चाहिए कि वो कैसे है। स्त्री जातक की पत्रिका में गर्भ धारण के लिए सक्षम है या नहीं है, उसके लिए चंद्र और मंगल को देखना बहुत जरूरी होता है, कि स्त्री जातक की पत्रिका अगर आप देख रहे हैं लेडी की, उसको देखना चाहते हैं कि भाई ये गर्भ धारण करने के लिए सक्षम है या नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो चंद्र मंगल देखिए, क्योंकि वो दोनों रक्त के कारक और मासिक धर्म की अनियमितता भी इन्हीं पर डिपेंड करती है, चंद्र और मंगल के ऊपर। अगर चंद्र और मंगल ठीक है स्त्री जातक की पत्रिका में तो मासिक धर्म की साइकिल ठीक रहती है और वो आसानी से गर्भ धारण कर लेती है। कई बार क्या होता है ना कि स्त्रियों को गर्भ धारण जल्दी जल्दी नहीं होता, या गर्भ धारण होता है तो अपने आप ही अबॉर्शन हो जाता है, तो वो भी चेक कर लेना चाहिए स्त्री की पत्रिका के अंदर कि क्या चंद्र और मंगल कमजोर तो नहीं है, तो अगर उनका वो कर लिया जाए, उपाय कर लिया जाए, चंद्र नाड़ी शोधन बोलते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है और कहते हैं कि संतान पैदा हो जाती है, उसके लिए मंत्रोच्चार करने पड़ते हैं। तो ये भी देख लीजिए अगर गर्भ नहीं ठहरता है तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि चंद्र और मंगल स्त्री की पत्रिका के अंदर दोनों बहुत प्रॉब्लमेटिक हों, पीड़ित हो, उसकी वजह से ये सब चीजें दिक्कत होती है। लग्न चंद्र और सूर्य तीनों पीड़ित हो तो संतान पैदा होने में समस्या होती है, ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। पंचम स्थान यदि पाप मध्य में हो तो संतान में परेशानी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पंचम स्थान में अशुभ ग्रह हो तो संतान में हानि संभव है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रिपीट ही है इसका। पंचमेश का संबंध 6-8-12 के स्वामी के साथ हो या पंचमेश 12वें स्थान में चला जाए तो भी संतान हानि की संभावना है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। संतान प्राप्ति के बाद घर में संतान नष्ट होने की वजह अगर पंचमेश अशुभ ग्रह हो तो घर की रक्षा अच्छा अच्छा करता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लग्न पंचम अष्टम में 12वें भाव में अशुभ ग्रह हो तो संतान हानि हो सकती है, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये तो पुराना ही रिपीट हुआ है शायद ये। उपाय के बारे में जो चीज थी जो हमने पीछे भी बताए थे कि कैसे अनुष्ठान के थ्रू करने हैं, तो यहाँ उपाय इसमें कुछ दिए हैं। कभी कोई बच्चा बहुत यतन से पैदा होता है तो हरिवंश पुराण का संतान गोपाल स्रोत मंत्र है, हरिवंश पुराण अगर आप देखेंगे उससे 3 या 4 पेज पहले लास्ट में जो हरिवंश पुराण का जो अंत है एंड में उससे 3-4 पेज पहले ये गोपाल हरिवंश का संतान गोपाल स्रोत मंत्र दिया गया है, इसको पढ़ने से कहते हैं कि संतान की प्राप्ति होती है, बशर्ते कि जो मैंने चीजें पीछे बताई हैं आपको कि उनसे आपको हल्की उम्मीद दिखाई दे रही है, B7 से हल्की उम्मीद दिखाई दे रही है आपको, 9 से आपको हल्की उम्मीद दिखाई दे रही है तो आप ये मंत्र करें तो इससे संतान पैदा हो सकती है। अच्छा दूसरी चीज ये कि पंचम पंचमेश लग्न लग्नेश नवम नवमेश इन तीनों भावों के स्वामी के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि हो किसी पे भी,
तो उपाय करने से संतान पैदा होती है, पंचम पे दृष्टि हो, पंचमेश पे दृष्टि हो, लग्न लग्नेश पे दृष्टि हो, नवम नवमेश पे दृष्टि हो, तो गुरु की दृष्टि अगर हो तो उपाय करने से संतान पैदा होती है। आपकी पत्रिका में देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है कि अगर आपकी पत्रिका में नवमेश को भी ध्यान देना चाहिए कि नवे भाव का स्वामी कौन है, यदि वो शनि भी है और उसकी उसका संबंध भी पंचम पंचमेश लगन लग्नेश या नवम नवमेश से बन रहा हो तो उपाय करने से संतान पैदा हो सकती है, क्योंकि वहां पर वो नवमेश की तरह से रोल प्ले कर रहा है। पंचम पंचमेश लगन लग्नेश और नवम नवमेश इन तीनों भावों के स्वामी के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि हो तो संतान पैदा हो सकती है। और अगर पत्रिका में नवमेश को भी जान लीजिए, अगर नवमेश भी है और वो कोई पाप ग्रह भी है, उसकी भी दृष्टि या संबंध पंचम भाव से या पंचमेश से या लग्न से बन रहा हो तो भी संतान से आप उपाय से संतान पैदा हो सकती है। ये सब चीजें हम लोगों ने इसके अंदर देख लिया। चंद्र शुक्र मीन या कन्या राशि में हो, ये अब भी जुड़वा बच्चों के बच्चे में आ रहा है कि चंद्र और शुक्र मीन या कन्या राशि में हो और बुध द्वारा दृष्ट हो तो जुड़वा पुत्रियों का जन्म होता है। यदि मेल तीस वाव राशि में मेल ग्रह चले जाएं, तीस वाव राशि जो मेल है उनमें ग्रह मेल चले जाएं तो जुड़वा पुत्र होंगे, यदि फीमेल तीस वाव राशि में फीमेल ग्रह चले गए तो जुड़वा पुत्री होंगी। शुक्र चंद्र सम राशि में हो तथा विषम राशि में बुध गुरु लग्नेश हो और पुरुष ग्रहों से दृष्ट हो तो पुत्र होगा। ये कुछ नियम है जो पहले ही बताए जा चुके हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। बुध अपने ही नवांश में हो, बुध जो है जन्मकालीन कुंडली का बुध अपने ही नवांश में चला गया T9 चार्ट में, और जन्म कुंडली में यदि बुध द्विस्वभाव राशि में बैठ जाए, हमारी तीन तरह की राशि होती है, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, अब द्विस्वभाव राशि में ही अगर बुध बैठ जाए और सभी ग्रहों को देखता हो तो जुड़वा संतानें होती हैं, इसके अलावा तीन संतानें भी हो सकती हैं। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बुध अपने ही नवांश में हो और जन्म कुंडली में बैठा हुआ बुध द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए ग्रहों को देखता हो, जो जो ग्रह द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं उनको बुध अगर देखता हो जन्म कुंडली में और वो अपने ही नवांश में है T9 चार्ट में, तो तिड़वा संतान भी हो सकती है, तीन संतानें भी हो जाती हैं, जुड़वा संतान तो होती है। कन्या तथा मीन राशि में शुक्र हो और चंद्र मंगल से दृष्ट हो जाए तो जुड़वा संतान पैदा होती है। सूर्य चंद्र गुरु शुक्र और मंगल द्विस्वभाव राशि में हो, द्विस्वभाव राशि का तो आपको मालूम ही है, या द्विस्वभाव राशि के नवांश में चले जाएं और बुध से दृष्ट हो जाएं T1 चार्ट के अंदर तो जुड़वा संतान पैदा होगी। सूर्य चंद्र गुरु शुक्र और मंगल ये द्विस्वभाव राशि में हो या द्विस्वभाव राशि के नवांश में चले जाएं, जिस नवांश में वो बैठे हैं वो द्विस्वभाव राशि है और T1 चार्ट के अंदर वो बुध से दृष्ट होते हैं तो भी जुड़वा संतानें पैदा हो जाती। स्त्री कुंडली में राहु गुरु या शुक्र एक साथ सातवें स्थान में बैठे हों, राहु गुरु या शुक्र, तो काफी समय के बाद जुड़वा संतान पैदा होती है, ये भी एक नियम है। तो ये कुछ नियम हैं जो जुड़वा संतान के बारे में हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा, किसी कुंडलियों पर इनको लगा के देखिएगा तो ये नियम निकलते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक नियम आते हैं, सारे शास्त्रों के नियम हैं, इसी हिसाब से सारी बातें बनती हैं, तो आप इसको लगा के देखिए, ये नियम से आपको मिलेगा। कहने का मतलब अर्थ ये है कि अधिकतर ग्रह द्विस्वभाव राशि में होके बुध से दृष्ट हो जाए, मतलब जितने ग्रह बुध से दृष्ट होंगे जन्म कुंडली में और वो द्विस्वभाव राशि में हो तो संतान जुड़वा पैदा होने के चांस होती है, मतलब ये आप ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा कि बुध अपने ही नवांश में हो नंबर वन, और बुध D1 चार्ट के अंदर बैठ के द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए ग्रहों को देखता हो तो संतान जुड़वा पैदा हो। पंचम भाव यदि मजबूत हो तो प्रेम निश्चल होता है, यदि पीड़ित हो तो प्रेम निश्चल नहीं होता, टूटता रहता है, ये पंचम स्थान के बारे में बोल दिया है। लग्नेश पंचमेश का संबंध ये प्रेम विवाह के लिए बता दिया है कि लग्नेश पंचमेश का संबंध हो, सप्तमेश पंचमी का संबंध हो या सप्तमेश एकादश का संबंध हो तो प्रेम विवाह सफल रहता है। लग्नेश और पंचमेश, क्योंकि लग्नेश स्वयं जातक हो गया, पंचमेश लवपेयर का भी हो जाता है, सप्तमेश शादी का हो गया, पंचमेश लवपेयर का हो गया, इनका संबंध हो या सप्तमेश और एकादशेश का संबंध हो तो सफल प्रेम विवाह रहता है, प्रेम विवाह के लिए ये चीज बोली जाती है। पंचम या सप्तम स्थान में शनि बैठ जाए, ये मैरिज का आ गया, इसके अंदर गलत आ गया, ये मैरिज का, ये मैरिज भाव में पढ़ाएंगे इसको। अच्छा, जुड़वा संतान के लिए ये जरूरी है कि जुड़वा संतान में अगर पैदा होती है तो नॉर्मली ये होता है कि साहब जुड़वा संतान पैदा हुई है तो उनका समय भी एक आ रहा है, लगन भी एक आ रहा है, दशा भी एक आ रही है, कैसे करें, तो उस केस में
पहले बच्चे को लगन से देखे, दूसरे बच्चे को चंद्र लगन से देखे, चंद्र लगन उसको लगन बना लीजिए और बाकी ग्रह ऐसी बैठा लीजिए। पहला बच्चा जो है वो लगन से देखे, दूसरे बच्चे की कुंडली भी वही बनेगी, उसमें क्या कीजिए कि उसको चंद्र लगन से बना लीजिए। तो चंद्र लगन से बना लेंगे तो वो दूसरे बच्चे की कुंडली हो जाएगी। और तीसरा बच्चा भी पैदा हो रहा है मान लिया, तो जो नवांश में बैठा हो, लगन जिस नवांश में है, उस नवांश को लगन बना के देखिए, तो आपको तीसरे बच्चे की कुंडली मिल जाएगी। अनाथ बच्चे की, अनाथ बच्चे को जिस दिन आप घर लेके आते हैं, अभी कई बच्चे को आप गोद देते हैं ऑर्फन बच्चे को, तो जिस दिन आप उसे घर लेकर आए उस दिन ही कुंडली बना लीजिए, वही उसकी जन्म कुंडली की तरह काम करेगी। अनाथ बच्चे की कुंडली के लिए जिस दिन बच्चे को गोद लेकर आए उसी दिन की कुंडली बनाइए और वही कुंडली उसकी हमेशा जन्म कुंडली की तरह काम करती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं और बता दूं जरा सा आपको, थोड़ा छूट गया है, कि पांचवें भाव में बैठे हुए ग्रहों का क्या हिसाब रहता है। देखिए, पांचवें भाव से सूर्य, आप हायर एजुकेशन भी देखते हैं, ये भी आपको मालूम है, तो सूर्य आत्मा में पिता का कारक होता है, कालपुरुषी कुंडली में पांचवें स्थान का स्वामी भी होता है, सूर्य विवेक का स्वामी भी होता है। तो पांचवें भाव को पढ़ने के लिए भाव भावेश कारक तथा पंचम स्थित राशि देखें। पंचम में राशि भी देखनी को जरूरी है कि वहां पे अग्नि राशि है, पृथ्वी राशि है, वायु राशि है या जल राशि। पांचवें भाव को जब पढ़ना चाहते हैं आप, अब पांचवें भाव को पढ़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन के हिसाब से, तो भाव भावेश कारक तो आप देखेंगे देखेंगे। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि जातक का दिमाग, अग्नि राशि अगर वहां पर है तो जातक का दिमाग चिंतन से भरा होगा, गंभीरता से सोचने वाला होगा, तीव्र गति से किसी विषय को समझेगा, बहुत होशियार होगा, सभी विद्याओं में दक्ष होगा, अगर वहां पे अग्नि राशि है पांचवें भाव। अगर पांचवें भाव में पृथ्वी राशि है तो ध्यान दीजिए कि जातक कैसा होगा, तो जातक इमेजिनेटिव होगा, कल्पनाशील होगा, चिंतन करने वाला होगा, आशावादी होगा, किसी भी विषय को गंभीरता से लेने वाला होगा, उसके अंदर दया भावना होगी, वो अच्छा आलोचक बनेगा, ये पांचवें भाव के अंदर अच्छा होता है। लेकिन पांचवें भाव में अगर पृथ्वी राशि हो तो जातक चिड़चिड़ा भी हो जाता है, ये ध्यान रखना, याददाश्त उसकी अच्छी होगी। इसमें अगर ग्रह अलग और राशि अलग हो तो फर्क पड़ता है? ग्रह का बता रहा हूँ मैं आपको, ग्रह का इसके बाद बता, अभी राशि की बता रहा हूँ मैं, पांचवें भाव में राशि कौन सी है ये आपको चेक करनी है पहले, फिर ग्रह कौन सा है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो पहले राशि आपने देखी कि पृथ्वी राशि है, अगर वायु राशि पांचवें भाव में बैठी हुई है तो जो जातक है वो दयालु प्रवृत्ति का होगा, बहुत व्यवहारिक होगा, दूरदर्शी होगा, किसी भी विषय को बहुत गूढ़ तरीके से समझेगा, मतलब दर्शन से समझने की कोशिश करेगा, उसको अंदर तक जगह समझने की कोशिश करेगा। और अगर जल राशि हो पांचवें भाव में आपके, तो बच्चा जो होगा वो बहुत संतुलित दिमाग वाला होगा, सौम्य होगा और प्रिय बच्चा होगा, दृढ़ निश्चय के साथ काम करने वाला बच्चा होगा। इसी प्रकार जैसे कि कल्याणी साहब ने कहा कि ग्रह बैठा हो पांचवें भाव में कौन सा, अब पांचवें भाव में सूर्य ग्रह बैठा हो मान लिया, तो बच्चा बहुत तीव्र बुद्धि वाला होता है, अनुशासन प्रिय होता है, अधिकार वाला होता है, काम को करने चाहने वाला होता है बहुत, लेकिन संतान की हानि भी करता है। देखिए दोनों चीजें हैं, सूर्य जो है आपका पांचवें भाव में बैठा है तो एक तरफ तो वो संतान की हानि करेगा, दूसरा हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया है, तो ये भी ध्यान रखिए कि हायर एजुकेशन के टाइम पे देखते हुए आपको जो संतान देखना है तो संतान देखिए, हायर एजुकेशन देखना है तो हायर एजुकेशन देखिए, आप दोनों को मिक्स मत कीजिए, फिर आप भूल जाइए हायर एजुकेशन देखते वक्त ये सूर्य बैठा है या कौन बैठा है। संतान देखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सूर्य बैठा है तो हानि करेगा, जैसे पहले उसके अंदर बताया गया है। तो सूर्य तीव्र बुद्धि वाला होता है, अनुशासन प्रिय होता है, अधिकार वाले होते हैं, काम को करना चाहते हैं ऐसे लोग, परंतु संतान की हानि हो सकती है सूर्य अगर पांचवें भाव में बैठा हो। कालपुरुषी कुंडली में सूर्य पांचवें भाव का स्वामी होने के कारण कहीं भी बैठा हो अपनी दशा में पंचम भाव का फल वो कर सकता है। चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठा हो तो आप सदैव संतान के प्रति चिंतित रहेंगे, जिन लोगों का चंद्रमा पंचम भाव में हो वो सदैव संतान के प्रति चिंतित रहेगा, अपने मान सम्मान में ज्ञान के लिए आप हमेशा जागरूक रहेंगे, आप सौम्य होंगे, माता के प्रिय होंगे, मैनेजमेंट के कामों में आपको बहुत रुचि रहेगी अगर पांचवें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ। मंगल यदि आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है या उस वहां बैठा है मंगल पंचम भाव, ये स्लाइड स्क्रीन पे नहीं आ रही है जो आप रीड कर रहे, ये इसमें नहीं आई है? अरे नहीं, स्क्रीन पे नहीं आई थी सर, ये पृथ्वी वायु जल पे अटक गए बस।
अच्छा अग्नि पृथ्वी वायु जल तक है इसके अंदर। हाँ जी सर। ओहो ठीक है, तो मैं ये वाली स्लाइड आपको कैसे डिलीट हो गई इसके अंदर से, इसमें तो दिया रही है। चलिए मैं बोल देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी स्लाइड जो है ना, इसकी स्लाइड भी आपको भेज दूंगा, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ एक सेकंड। ओके सर, थैंक यू सर। जब पीपीटी भेजूंगा तो मैं उसके साथ ही आपको ये भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा चंद्रमा का तक हमने देख लिया, मंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मंगल अगर पांचवें भाव में हो तो आप बहुत तर्कपूर्ण होंगे। अभी संतान के हिसाब से भूल जाइए कि मंगल पांचवें भाव में है तो संतान के हिसाब से कैसा है कैसा नहीं है, यू फॉरगेट अबाउट दैट। आप ये याद रखिए कि मंगल, अब एजुकेशन के हिसाब से आप देख रहे हो, अगर पांचवें भाव में मंगल हो तो आपकी लॉजिकल पावर बहुत अच्छी हो, लेकिन पांचवें ग्रह में मंगल हो या पांचवें भाव के स्वामी के साथ मंगल हो तो वो अबॉर्शन भी करा सकता है। संतान के लिए संतान का समझिए, एजुकेशन के लिए एजुकेशन का समझिए उस चीज को। लेकिन पांचवें भाव में मंगल हो तो आप बहुत तर्कपूर्ण होंगे, आप बहुत उदार भी होंगे। बुध अगर पांचवें भाव में हो, क्योंकि बुध जो है वो तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है काल कुर्सी कुंडली में, तो गर्भधारण में समस्या पैदा कर सकता है बुध भी पांचवें भाव में। क्यों? क्योंकि बुध जो है काल कुर्सी कुंडली में छठे भाव का स्वामी भी होता है, रोग भाव का स्वामी भी होता है, तीसरा भाव और छठा भाव दोनों उसके पास अशुभ भाव है, तो दोनों अशुभ भाव का स्वामी होने की वजह से बुध भी पांचवें भाव में संतान में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, गर्भधारण में समस्या कर सकता है। लेकिन बुध बुद्धि का कारक है, अगर बुध पांचवें भाव में होगा तो आप बुद्धिमान होंगे, अच्छे सलाहकार होंगे, अच्छे ज्योतिष होंगे, पढ़ाई लिखाई में रत रहेंगे, वेदों के ज्ञाता होंगे, और बस केवल आपको पेट की समस्या हो सकती है क्योंकि त्रिदोष को रिप्रेजेंट करता है बुध। तो देखिए एक ही ग्रह है और दो चीज कर रहा है, संतान के लिए अलग कर रहा है, एजुकेशन के लिए आपको अलग कर रहा है। तो जिस समय आप संतान देखें तो संतान देखें, जिस समय एजुकेशन देखें तो एजुकेशन देखें। गुरु अगर अकेला पंचम में हो तो मैं जैसे पहले बताया कि संतान संबंधी समस्या देता है, पुत्री ही करता है खाली, देरी से होगी या पुत्री होगी। लेकिन जातक पंचम भाव में गुरु है तो बहुत ज्ञानवान होता है, विवेकी होता है, सौम्य होता है, धन का ज्ञाता होता है, धन प्रबंधन में निपुण होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वो बहुत बढ़िया होता है। तो ये इसके अंदर आपका आ जाता है। इसी प्रकार शुक्र के बारे में है, शुक्र आपका शुभ ग्रह है, कालकुर्सी कुंडली में दूसरे व सातवें भाव का स्वामी ये होता है। पंचम में स्थित होने से, क्योंकि ये अच्छे भावों का स्वामी है तो पंचम में स्थित होने से स्त्री संतान दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, संतान ये दे सकता है आपको शुक्र जो है। लेकिन ऐसे जातक जो है कला के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं जिनके पंचम भाव में शुक्र हो, क्योंकि पंचम भाव से कला भी देखी जाती है, तो ऐसे लोग एक्टिंग वगैरह में, कविता में, पोएट्री में बड़े निपुण होते हैं, इन चीजों में, डांसिंग में, इनमें बहुत निपुण होते हैं। संतान बहुत आकर्षक होती है जिनके पांचवें भाव में शुक्र हो। तो शनि, शनि अकेला पंचम भाव में किसी भी राशि में हो, ये देखिए इसके अंदर एक चीज है, पीछे जैसे मैंने आपको बताया था कि शनि आपको पुत्र दे सकता है, शनि अकेला किसी भी राशि में बैठा हो, अगर अपनी राशि में हो तो वो अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो तो वो दस पुत्र देगा। दस पुत्र का लेके मतलब ये चलिए कि पुत्रों की भरमार होगी, पुत्र ही पुत्र होंगे अगर शनि अपनी राशि में बैठा है पांचवें भाव में या अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। उसके अलावा शनि ना अपनी राशि में है ना उच्च राशि में है, लेकिन किसी भी राशि में शनि बैठा हुआ है तो पुत्र दे सकता है शनि अपने उसके अंदर, तो ये एक ध्यान देना है। लेकिन शनि के साथ राहु मंगल बैठ जाए तो संतान समस्या हो सकती है, बट पंचम में शनि हो तो जातक जो है वो संवेदनशील होता है, मास में लोगों की साइकोलॉजी को समझने वाला होता है क्योंकि मास को रिप्रेजेंट करता है पंचम भाव, और काम को धीरे धीरे लगातार करता रहता है, तो ये ग्रहों का प्रभाव भी है, राशि का प्रभाव भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन का जब देखें तो एजुकेशन देखें, और जब इसके बारे में स्टडी करें, पढ़ाई के बारे में स्टडी करें तो पढ़ाई देखें, जब संतान के बारे में स्टडी करें संतान के बारे में देखें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बताइए क्वेश्चन, बताइए देसाई साहब, और क्वेश्चन आपका कोई है? हाँ, आपने जो जुड़वा बच्चों का बताया उसमें दो बेटी होगी या दो बेटे होंगे ऐसा कुछ आया था शायद। हाँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक लड़का होता है एक लड़की होती है, वो कैसे?
उसको फिर आप द्विस्वभाव राशि से लगा लीजिए ना, एक द्विस्वभाव में हो और एक दूसरी राशि में हो तो उससे हो जाएगा, तो उससे आइडिया लगा लीजिए उस चीज का। जैसे इसके अंदर मैंने बताया ना यहाँ पर आपको कि दोनों द्विस्वभाव राशि में हो और फीमेल द्विस्वभाव राशि में हो तो दोनों फीमेल हो गई, पुरुष द्विस्वभाव राशि में हो तो पुरुष हो गए, दोनों पुरुष हो गए, और अगर एक फीमेल द्विस्वभाव राशि में हो और एक मेल द्विस्वभाव राशि में हो तो आप कह सकते हैं कि लड़की लड़का होगा। और दूसरा है फिफ्थ में आपने सब प्लैनेट्स का वो तो पता है, लेकिन राहु या केतु हो तो? देखिए राहु केतु जो होते हैं, राहु केतु का तो सिंपल वही सिद्धांत है कि राहु केतु अगर पांचवे भाव में हो तो एजुकेशन के हिसाब से क्या करेगा, एजुकेशन के हिसाब से आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने वाला आपको बनाएगा, ऐसा बच्चा जो होगा बहुत बढ़िया प्लानर होगा, अपने लाइफ में बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकेगा, इस तरह का बच्चा होगा और बहुत उससे चलने वाला होगा, लेकिन बहुत पैशनेट भी होगा वो बच्चा, वो उसके अंदर रहता है। केतु अगर पांचवे भाव में बैठा हो तब क्या होगा, केतु पांचवे भाव में बैठ के क्या बनाता है, केतु पांचवे भाव में बैठ के ज्योतिष भी बनाता है, केतु पांचवे भाव में बैठ के गुण ज्ञान देता है, केतु पांचवे भाव में बैठ के गुप्त विद्याओं के अंदर माहिर बनाता है इंसान, ये केतु की वो चीजें हैं। बट केतु पांचवे भाव में बैठे तो गर्भ के अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, तो ये सब चीजें आपको देखनी है। जब आप संतान के बारे में देखें तो संतान के बारे में ही देखें, जब आप एजुकेशन के बारे में देखें तो सिर्फ एजुकेशन के बारे में देखें, वो भूल जाएं कि ये संतान को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, और जब संतान के देख रहे हो तो एजुकेशन वाला भूल जाएं कि ये क्या कर रहा है। नहीं मतलब मेरा ये एक क्वेश्चन इसलिए था, मान लो फिफ्थ हाउस के साथ राहु का कोई संबंध हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज या वो ऐसा बोलते हैं तो वो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहु मंगल शनि, देखिए राहु मंगल और शनि तीन ग्रह हैं, तीन ग्रह में से किसी दो ग्रह का सातवें भाव से, सातवें भाव के स्वामी से या सातवें भाव के कारक से, इन तीनों में से किसी एक से, फिर समझिए कि शनि मंगल राहु इन तीनों में से किसी दो ग्रह का सातवें भाव से, सातवें भाव के स्वामी से या सातवें भाव के कारक से, सातवें भाव कारक कौन हुआ, स्त्री केस में गुरु, पुरुष केस में शुक्र, इनसे संबंध हो जाए तो इंटरकास्ट मैरिज होती है। अच्छा ये अब इनका पतन नहीं, इनको दशा में कोई देखता हो तो? हाँ हाँ तो भी नहीं, मान लीजिए जैसे फिफ्थ हाउस में शुक्र बैठा और शुक्र को शनि भी देख रहा है या मंगल भी देखा, उससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर फिफ्थ देखिए आपका, आप फिफ्थ की बात कर रहे हैं सेवंथ की बात कर रहे हैं, फिफ्थ की बात कर रहे हैं? फिफ्थ की हाँ हाँ, फिफ्थ हाउस में मंगल बैठा है तो मंगल के गुण तो उसके अंदर आएंगे ही आएंगे, मंगल जो ग्रह बैठा है वहाँ पे उसके गुण भी आने हैं, जो ग्रह देख रहा है। नहीं नहीं, मंगल को शनि देख रहा मान लीजिए तो उससे भी फर्क पड़ेगा, या शुक्र देखता उससे भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो वो नियम था इंटरकास्ट मैरिज का खाली, वो तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि जो मैंने आपके पास स्लाइड्स भेजी है इंटरकास्ट मैरिज के लिए उसमें वो इस नियम दिया हुआ है इंटरकास्ट मैरिज का, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से दो ग्रह अगर किसी एक से संबंध बना लें, सातवें भाव से, सातवें भाव के स्वामी से या कारक से, तो इंटरकास्ट मैरिज होगी। मेरा पंचम का नहीं उसमें, मैंने मैरिज नहीं, मेरा जो अभी देखिए पंचम का रोल मैरिज में इतना है, पंचम भाव अगर आपका पीड़ित है बहुत। मैरिज नहीं मैं तो देखिए अभी हम जब मैरिज का देखेंगे तो सेवंथ हाउस देखेंगे, वो अलग बात है, अभी हम फिफ्थ का ही डिस, और मेरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ फिफ्थ रिलेटेड है, यानी फिफ्थ हाउस में यदि राहु के, तो आपने सप्तम में बताया वो मैरिज का है वो अलग है, लेकिन मान लो किसी का पांचवे घर में मतलब हाउस में राहु है तो ऐसा हो सकता है जैसे कि फिफ्थ हाउस लव और उसको रिप्रेजेंट करता है, मैं अफेयर वर्ड नहीं यूज करूंगा बिकॉज लव सब किसी भी तरह का लव हो सकता है। बिल्कुल सही बात, सर एक्सक्यूज मी सर, आई एम लीविंग द क्लास बिकॉज़ आई हैव टू गो आउट। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी आपके पास। हां थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इसलिए मेरा ये है, मैं लव मतलब कोई भी लव, तो राहु या केतु का किस तरह का प्रभाव, कि हम लव जब गिनते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो लड़का लड़की में होता है, लव मतलब किसी के भी साथ हो सकता है। बिल्कुल राइट, जो अपने माँ के प्रति प्रेम होता है या अपने ब्रदर सिस्टर के प्रति होता है, किसी के भी वो होता है, तो दैट इज कॉल्ड लव, और लव फिफ्थ से ही देखा जाता है। तो राहु या केतु वहां पे होने, जैसे आपने सैटर्न या सूर्य या वो होने का जो प्रभाव बताया, तो मैं वो बोल रहा हूँ कि आपने राहु और केतु का
वो प्रभाव वहां पे नहीं बताया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो किस तरह का रहेगा। हेलो हेलो, हाँ कांचा सर, वो एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा 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 सर, वो कलानी सर एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर केतु के बारे में शायद पूछ रहे थे, केतु अगर फिफ्थ हाउस को देख रहा हो, तो अगर केतु फिफ्थ हाउस में बैठा हो या देख रहा हो, वो रिजल्ट एक ही देगा एजुकेशन के कंसर्न में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखने से या बैठने से दोनों से एजुकेशन संबंध में वही रिजल्ट देगा एक भी, जो ग्रह का ग्रह पांचवें घर पे कौन से ग्रह का प्रभाव आ गया, आप ये देख रहे हैं पांचवें घर पे कौन सी राशि का प्रभाव है और पांचवें घर पे कौन से ग्रह का प्रभाव है, आपने सिर्फ ये देखना है एजुकेशन के संबंध में। जी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है जुपिटर को लेके, अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठता है तो ऑब्वियसली वो बच्चे में तो परेशानी करता है, उसके अलावा मैंने ये सुना है कि अगर जातक वो मतलब बृहस्पति जो है पंचम में उच्च शिक्षा में भी बाधा डाल रहा है। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। और ऐसा कहा जाता है कि जातक विद्वान और आदर का पात्र होता है, लेकिन जो आप कहते हैं ना प्रमाण पत्र या उपाधि का उपयोग नहीं कर पाता है, अगर मतलब एजुकेशन तो ले सकता है वो, लेकिन एक एजुकेशन होती है जो आपकी डिग्री होती है, आपको मिलती है, एक एजुकेशन होती है जो आप एक्सपीरियंस से लेते हैं। हाँ देखिए, इसमें जो जो मैंने आपको बताया अभी, मैंने ये बताया कि पांचवें भाव में गुरु अगर हो तो वो बहुत ज्ञानवान होता है, ठीक है ना। अब जैसे आपने बोला कि ज्ञानवान होता है, ज्ञानवान होता है, बट इट डजंट मींस कि उसके पास बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स होंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट्स वगैरह जहां तक होने की बातें हैं, वो बात सही है कि गुरु सोलली अगर वहां पर बैठा है उसी का प्रभाव है, कोई दृष्टि नहीं है और कोई ग्रह के साथ नहीं बैठा हुआ है, और तब ये प्रभाव होता है। लेकिन अगर किसी ग्रह की दृष्टि वहां पर पड़ रही है या और कोई प्रभाव है किसी तरह से भी उस भाव के ऊपर, तो फिर वो चीज नहीं होती। अच्छा, हाँ तो ये तब होगा जब वो अकेला होगा वहां। अकेला होगा, अकेला ग्रह तो देखिए कोई भी हो, अकेला ग्रह कोई भी हो वो मनमानी करता है अकेले ग्रह को, तो देख इसलिए ग्रह साथ बैठे हों, ग्रहों पे किन्हीं की दृष्टि हो तो बड़ा अच्छा रहता है, हम लोग सोचते हैं, क्योंकि लगाम मिल जाती है, जहाँ अकेले ग्रह बैठ जाते हैं वही प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो कहते हैं कि ना राहु चंद्रमा और आपका ये राहु और चंद्रमा मिल जाए और मंगल मिल जाए, ये तो बहुत ज्यादा मतलब आदमी का दिमाग खराब कर देते हैं, आदमी सुसाइड तक कर लेता है इससे। ये सुशांत सिंह राजपूत की पत्रिका में देखिएगा, तो कभी मैं पत्रिका दिखाऊंगा आपको, उसके अंदर यही चीज थी, राहु चंद्रमा और मंगल का रोल बहुत गहरा रोल था उसके अंदर। तो ये सब चीजें, क्योंकि राहु पैशन देता है, चंद्रमा मन खराब करता है, मंगल भी मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा कारक है, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा।